दोस्तों, अगर आप पट्टथु आरासन फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। YouTube पर आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगे इस फिल्म के नाम से, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह फिल्म को आप कहाँ पर देख सकते हैं और यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिल सकती है बिल्कुल अच्छे तरीके से। दोस्तों, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, मूवी की कास्ट और फिल्म की पूरी स्टोरी को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। पट्टथु आरासन इस मूवी का नाम रखा गया है। इस फिल्म को अनुवाद करें हिंदी में तो इस मूवी का नाम रॉयल किंग के नाम से रखा गया है। फिल्म 2022 में तमिल भाषा में रिलीज होती है और इस फिल्म को एक स्पोर्ट और एक्शन ड्रामा फिल्म की श्रेणी में रखा जाता है। फिल्म को ए सुकुमारन के द्वारा लिखा गया है और फिल्म को एक स्पोर्ट एक्शन ड्रामा फिल्म माना जाता है। मूवी को निर्देशित भी उन्हीं के द्वारा किया गया है, सर कोमन के द्वारा। फिल्म लाइका प्रोडक्शन और अली राजा सुभाषकरण के द्वारा निर्मित करी गई है और इसमें अर्थव राज किरण, आशिका रंगाथन और राधिका शरत कुमार मुख्य भूमिका में इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। मूवी का प्लॉट, एक थिरुवायु के पास एक हरे रंग की टोपी वाले पान के खेतों की पृष्ठभूमि के खिलाफ दिखाई जाती है। फिल्म में एक संगीत घीबरन द्वारा रचित हैं और जबकि लोगनाथन श्रीनिवासन के छायांकन और संपादन उनके द्वारा किया गया है। राजा मोहम्मद यह फिल्म में हमें देखने को मिलते हैं और यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज करी गई थी। इसे आलोचकों के द्वारा सकारात्मक समीक्षा मिली थी, यानी कि यह फिल्म एक पॉजिटिव रिव्यू के साथ खड़ी हुई थी। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म को अच्छे तरीके से प्रेजेंट इस फिल्म में किया गया था। इस फिल्म के डिजिटल उत्पादन कंपनी लाइका प्रोडक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉपुलर कंपनी है, उन्हीं के द्वारा लिए गए थे। फिल्म का निर्देशन ए सर कुनम के द्वारा किया गया है और फिल्म को उन्होंने ही लिखा भी है। मूवी के निर्माता अली राजा सुभाषकरण के द्वारा फिल्म को निर्मित किया गया है और मूवी का अभिनेता हमें अर्थव राज किरण और आशिका रंगनाथ देखने को मिलते हैं। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है और मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन किरदारों के साथ निभाते हुए हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। मूवी की खास बात यह है कि फिल्म एक बेहतरीन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म एक अच्छे तरीके से तैयार भी किया जाता है। फिल्म का छायांकन लोकनाथ श्रीनिवासन के द्वारा दिया गया है और यह फिल्म का संपादित किया गया है राजा मोहम्मद के द्वारा। मूवी में म्यूजिक दिया गया है घीबरान के किरदार में और इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी लाइका प्रोडक्शन रही थी। फिल्म रिलीज करी गई थी 25 नवंबर 2022 को, यानी कि मूवी हाल ही फिलहाल में रिलीज हुई है। फिल्म की रनिंग टाइम 137 मिनट के आसपास है और फिल्म भारत में रिलीज किया गया है, ऑफिशियल तमिल भाषा में रिलीज किया गया है। मूवी पोथारी के एक पूर्व कबड्डी खिलाड़ी दिखाई जाती है जो कि व्यापक रूप से महानतम खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उनकी दो पत्नियां होती हैं और परिवार खुशी खुशी चल रहा होता है, भले ही किसी एक पत्नी के साथ कई वारिस हों और दूसरे के साथ सिर्फ एक, संपत्ति को कानून के अनुसार समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए, ऐसी इस फिल्म है कहानी को बतलाया जाता है। फिल्म अर्थव चिन्ना दुराई के रूप में इस फिल्म में दिखाया जाता है और मूवी पोथा थारी का किरदार राज किरण के द्वारा निभाई जाती है। मूवी पवित्रा के रूप में अंशिका रंगनाथ और राधिका शरत कुमार विजया की भूमिका में हमें देखने को मिलती हैं। वहीं इस फिल्म में जयप्रकाश ने भी अपनी एक अच्छी क्रिया दी थी इस फिल्म को और दुरई सुधाकर साची मुथु की भूमिका में देखने को मिलती हैं। आर के सुरेश कन्यान की भूमिका में देखते हैं और वहीं सिंगम पुली रविंद्र रवि काले की भूमिका में हमें इस फिल्म में दिखाया जाता है। शत्रु का किरदार भी इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है और राज अयप्पा, बाला शरवणन और जी एम कुमार की एक बेहतर भूमिका इस फिल्म में हमें देखने को मिलती हैं। फिल्म का अस्थायी रूप से शीर्षक अर्थव
2018 था तथा 10 नवंबर 2022 को फिल्म का शीर्षक पट्टाथु आरासन घोषित किया गया था। इसमें लाइका प्रोडक्शन ने फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया था और चंदन की अभिनेत्री आंशिका रंगनाथ ने इस फिल्म को पहला महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए अनुबंधित भी किया था। मूवी की मुख्य शूटिंग तंजावुर के पास पान के पत्ते के बगान में की गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लगती है। फिल्म की सॉन्ग की बात करें साउंड अट्रैक्ट एल्बम की, तो घीब रान के द्वारा दिया गया था और सभी गाने को 2022 में रिलीज करी थी और रिकॉर्ड भी उन्हीं के टाइम में किया गया था। फिल्म की शैली की बात करें, मूवी बहुत ही बेहतर है और गाने की शैली फीचर फिल्म साउंड अट्रैक्ट की शैली में रखा गया है। सॉन्ग की लेंथ 21 मिनट के आसपास है, यानी कि इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा गाने को इंक्लूड भी किए गए थे। भाषा तमिल भाषा में रिलीज़ किया गया था सभी गाने को और लेबल थिंक म्यूजिक इंडिया की लेबल दी गई थी। कुगल कुटप्पा और पुराथु आसन ट्रिगर जैसी फिल्मों में इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑडियो दी है। फिल्म का म्यूजिक घिबरन के द्वारा रचित किए गए हैं, जो कि ट्रिगर के बाद अर्थव के साथ उसका दूसरा सहयोग है और वागई शुदा वा और नैदी के बाद सर कुनम का यह तीसरा सहयोग दिखाया जाता है। पहला एकल शीर्षक यारो यारो ईवा 18 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। फिल्म में हमें 6 गाने को इंक्लूड करते हुए दिखाई दिए थे और सभी गाने की टोटल लेंथ 21 मिनट के आसपास रही थी और फिल्म को गाने को भी काफ़ी ज़्यादा अपीयरेंस मिला था। फिल्म के गाने लगभग 3 से 4 मिनट के आसपास रहती है और गाने यारो यारो ईवा सॉन्ग को बोल मनी अमु धवन के द्वारा दिया गया था और इस सॉन्ग के गायक यानिज नजीर रहे थे। सिंगर्स इस फिल्म में केजी रंजीत, वंदना श्रीनिवासन, गोल्ड देवराज, अरविंद श्रीनिवास और शरत संतोष के साथ साथ सेनबाज और विंगेश सत्यप्रकाश, ए सरख मूर्ति और अनुदीप देव जैसे बेहतर किरदारों ने दी थी। यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज करी गई थी और फिल्म का ट्रेलर 18 नवंबर को रिलीज किया गया था, नवंबर दिसंबर को, और बहुत ही जल्द इस फिल्म के ट्रेलर के साथ साथ मूवी की कहानी भी रिवील कर दी गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। फिल्म की बात करें होम मीडिया की, तो फिल्म को फर्स्ट पोस्ट और थियोरेटिकल स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स के द्वारा बेचे गए थे और सभी ने एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हुए फिल्म का राइट्स को एक बेहतर रिस्पॉन्स में माना था। फिल्म में एक बहुत ही बेहतरीन बात यह भी है कि फिल्म की एक स्ट्रीमिंग के साथ साथ फिल्म के राइट्स को भी खरीदा गया था और मूवी अच्छे योग्य मूल्यों के साथ इसे सौदा किया गया हो। फिल्म का सेटेलाइट राइट सन टीवी को बेचे गए थे और फिल्म की स्वागत समारोह की बात करें फिल्म के रिव्यूज के बारे में, तो मूवी ने अच्छी खासी रिव्यूज और पॉजिटिव रिव्यूज के साथ साथ एक अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया था। आइए बात करते हैं फिल्म के रिव्यूज के बारे में। द टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्रन ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और कहा, कुल मिलाकर शर कुमन का एक पट्टाथु आरासन के लिए कुछ काम कर सकता है, लेकिन काश यह शैली आविष्कारशील विचार से लाता। और एबीपी लाइव की यू स्त्री ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और कहा, अगर केवल कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले भावुक दृश्यों को काट दिया होता तो और लड़ाई के दृश्यों को शामिल किया होता तो टाइटैनिक राजा वास्तव में बैंड वॉन को हिला देता था और हिला सकता था। सिनेमा एक्सप्रेस के चांदनी आर ने फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग देते हुए कहा, ग्रामीण नाटकों के सभी न खत्म होने वाले बैराज के बावजूद भी यह एक अच्छी शैली है और अभी तक काम करती है, क्योंकि इसके परिवेश के लिए यह बनाई गई थी और फिल्म का सही प्रदर्शन कर सकती है और जड़ता और खिंचाव के साथ रखा जाता है। दीना मल्लार ने फिल्म को 5 में से 2.25 की रेटिंग दी और कहा, फिल्म
कैंपेनियन की श्रुति गणपति राम ने लिखा था, जबकि फिल्म में एकमात्र प्रमुख महिला पात्र का नाम स्थापित करती है तो रन टाइम 90 मिनट के बाद दिखाया जाता है। सांकेतिक वाद और अपना खूबसूरत सिर उठता है और इसकी निष्ठा स्पष्ट हो जाती है। मूवी क्रो के अश्विन राम ने फिल्म की रेटिंग 5 में से 2 दी और लिखा कि पागल के दिलचस्प संघर्ष और पटकथा के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसे दशकों से पहले किया जाना चाहिए था और वह एक भावनात्मक नाटक जिसमें कोई तनाव या जड़ का कारक नहीं है। सिनेमा विघटन आलोचक ने लिखा है कि यह एक परिचित गांव की कहानी को लेते हुए पट्टथू आरासन की टीम ने ऐसे दृश्यों के साथ एक उबाऊ फिल्म बनाई है जो कि नहीं है और फिल्म एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म की कहानी को आगे भी बढ़ाती है। फिल्म की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। मूवी में एक सॉन्ग को भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया गया था और फिल्म का एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। मूवी कई सारे सीन पर ऐसे हमें हमारे सोच पर खरी उतरती है और फिल्म की कहानी एक अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। खासकर इस फिल्म में किरदारों के बारे में बात करें, मूवी के लीड एक्टर और एक्ट्रेस ने एक अच्छी भूमिका दी थी और उनकी कैरेक्टर ने अपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए इस फिल्म की स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस भी किया गया था। मूवी की बात करें फिल्म के दिलचस्पिंग पॉइंट्स के बारे में, तो फिल्म को खासकर इसके कैरेक्टर के लिए और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करने के लिए फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेहतर टाइम लेते हुए फिल्म को एक अच्छी रन टाइम और अच्छे स्टोरी के साथ बिल्डअप किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था। मूवी में बात करें इस फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो फिल्म एक अच्छी फ्लो में चलती है और फिल्म में देखते टाइम कहीं भी बोरियत का अनुभव नहीं होता है। फिल्म में कई सारे ऐसे सीन्स भी देखे जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हैं लेकिन आप इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें फिल्म की स्टोरी के बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ अलग रखे गए हैं ताकि मूवी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काबिले तारीफ बनाया जा सके। फिल्म की आइए बात करते हैं मूवी के बारे में, तो फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी जाती है और फिल्म को अच्छा खासा भी कहा जाता है। फिल्म को खासकर पब्लिक के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था लेकिन क्रिटिक्स के द्वारा इस फिल्म को ठीक ठाक किसी तरह से रिस्पॉन्स मिले थे जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। फिल्म का एक संगीत ऐसा है, मूवी में म्यूजिक को काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया गया था, फिल्म में म्यूजिक का रोल प्ले काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया गया था, तो उम्मीद करते हैं कि फिल्म का रोल प्ले हमें बाहर भी देखने को मिलेगा और फिल्म में एक अच्छा फ्लो हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी की बात करें इस फिल्म में फ्लो की, तो मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है और फिल्म को एक फ्लो के रूप में हमें इन्हीं की भूमिका निभाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होती है। फिल्म के कई सारे पार्ट्स और फिल्म के पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा गूज बम्प्स आ जाएंगे और फिल्म में एक अच्छी स्टोरी के साथ साथ फिल्म की एक बेहतर एंडिंग भी दिखाई गई है, तो इस वजह से फिल्म एक फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट भी बनकर हमारे सामने उभरता है और मूवी हमारे सामने आती है। फिल्म की खास बात यह है कि मूवी हमें कहीं भी बोर नहीं होने देती है और फिल्म का एक अच्छा फ्लो हमें ले चलता है अपने मनोरंजन की ओर। फिल्म में कई सारे पॉइंट्स पर ऐसे भी दिखाए गए हैं जो कि मूवी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और फिल्म एक हमारे सामने एक अच्छी फ्लो में एक अच्छा किरदार देखने को मिलती है। मूवी में बेहद ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प किरदारों के साथ देखने को मिलता है। फिल्म का कई सारे पॉइंट्स में ऐसे भी देखे जाते हैं कि मूवी कुछ हद तक सही कर पाती है लेकिन इस फिल्म में ऐसा देखा गया है कि मूवी एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म को आगे बढ़ाती है और फिल्म की कहानी को चलाती है। फिल्म में एक पट्टाथू आरासन मूवी की बात करें, तो मूवी में फिल्म का किरदार ने और फिल्म के खासकर महिला प्रधान भूमिका ने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म को अच्छे तरीके से बिल्डअप भी किया था और फिल्म में एक बेहतरीन किरदारों को लाया गया था। मूवी को स्पोर्ट ड्रामा फिल्म मानी जाती है और फिल्म एक अच्छी खासी एक्शन सीन्स भी इस मूवी में देखने को मिलता है।
मूवी का निर्देशक ए सुरकुमारन ने अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फिल्म की निभाई थी और फिल्म में पत्नी के साथ कई वारिस हो ऐसे कॉन्सेप्ट को भी एक अजूबा कॉन्सेप्ट हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अलग भी लग सकती है। फिल्म की ऐसी पॉइंट्स भी हमें ध्यान देती है जो कि मूवी काफ़ी ज़्यादा वीक पॉइंट्स अक्सर जगहों पर हो जाती है। दोस्तों इस फिल्म को आप देखना चाहते हैं तो मूवी के डिजिटल राइट्स आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इस फिल्म को जब कभी भी रिलीज किया जाएगा तो फिल्म को आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं और मोबाइल को आप सिर्फ नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर और प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। और मूवी को आप टीवी पर देखना चाहें तो मूवी के टीवी के राइट्स खरीदे गए थे सन टीवी के द्वारा, आप इस फिल्म को वहाँ पर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इसके डिजिटल राइट्स को नेटफ्लिक्स पर बेचे गए थे, मूवी आप अच्छी तरीके से वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप पट्टथु अरासन फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। YouTube पर आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोज मिल जाएंगे इस फिल्म के नाम से, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह फिल्म को आप कहाँ पर देख सकते हैं और यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिल सकती है बिल्कुल अच्छे तरीके से। दोस्तों इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, मूवी की कास्ट और फिल्म की पूरी स्टोरी को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। पट्टथु अरासन इस मूवी का नाम रखा गया है। इस फिल्म को अनुवाद करें हिंदी में तो इस मूवी का नाम रॉयल किंग के नाम से रखा गया है। फिल्म 2022 में तमिल भाषा में रिलीज होती है और इस फिल्म को एक स्पोर्ट और एक्शन ड्रामा फिल्म की श्रेणी में रखा जाता है। फिल्म को ए सुकुमारन के द्वारा लिखा गया है और फिल्म को एक स्पोर्ट एक्शन ड्रामा फिल्म माना जाता है। मूवी को निर्देशित भी उन्हीं के द्वारा किया गया है, सुरकुमारन के द्वारा। फिल्म लाइका प्रोडक्शन और अली राजा सुभाषकरण के द्वारा निर्मित करी गई है और इसमें अर्थव राजकिरण, आशिका रंगाथन और राधिका शरत कुमार मुख्य भूमिका में इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। मूवी का प्लॉट एक थिरुवायु के पास एक हरे रंग की टोपी वाले पान के खेतों की पृष्ठभूमि के खिलाफ दिखाई जाती है। फिल्म में एक संगीत घीबरन द्वारा रचित है और जबकि लोगनाथन श्रीनिवासन के छायांकन और संपादन उनके द्वारा किया गया है। राजा मोहम्मद यह फिल्म में हमें देखने को मिलते हैं और यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज करी गई थी। इसे आलोचकों के द्वारा सकारात्मक समीक्षा मिली थी, यानी कि यह फिल्म एक पॉजिटिव रिव्यूज के साथ खड़ी हुई थी। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म को अच्छे तरीके से प्रेजेंट इस फिल्म में किया गया था। इस फिल्म के डिजिटल उत्पादन कंपनी लाइका प्रोडक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉपुलर कंपनी है, उन्हीं के द्वारा लिए गए थे। फिल्म का निर्देशन ए सुरकुमारन के द्वारा किया गया है और फिल्म को उन्होंने ही लिखा भी है। मूवी के निर्माता अली राजा सुभाषकरण के द्वारा फिल्म को निर्मित किया गया है और मूवी का अभिनेता हमें अर्थव राजकिरण और आशिका रंगनाथ देखने को मिलते हैं। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है और मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन किरदारों के साथ निभाते हुए हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। मूवी की खास बात यह है कि फिल्म एक बेहतरीन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म एक अच्छे तरीके से तैयार भी किया जाता है। फिल्म का छायांकन लोकनाथ श्रीनिवासन के द्वारा दिया गया है और यह फिल्म का संपादित किया गया है राजा मोहम्मद के द्वारा। मूवी में म्यूजिक दिया गया है घीबरन के किरदार में और इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी लाइका प्रोडक्शन रही थी। फिल्म रिलीज करी गई थी 25 नवंबर 2022 को, यानी कि मूवी हाल ही फिलहाल में रिलीज हुई है। फिल्म की रनिंग टाइम 137 मिनट के आसपास है और फिल्म भारत में रिलीज किया गया है, ऑफिशियल तमिल भाषा में रिलीज किया गया है। मूवी पोथारी के एक पूर्व कबड्डी खिलाड़ी दिखाई जाती है जो कि व्यापक रूप से महानतम खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उनकी दो पत्नियां होती हैं और परिवार खुशी खुशी चल रहा होता है, भले ही किसी एक पत्नी के साथ कई वारिस हों और दूसरे के साथ सिर्फ एक, संपत्ति को कानून के अनुसार समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए, ऐसी इस फिल्म है कहानी को बतलाया जाता है।
फिल्म अर्थव चिन्नादुरई के रूप में इस फिल्म में दिखाया जाता है और मूवी पोथा थारी का किरदार राज किरण के द्वारा निभाई जाती है। मूवी पवित्रा के रूप में अंशिका रंगनाथ और राधिका शरत कुमार विजया की भूमिका में हमें देखने को मिलती हैं। वहीं इस फिल्म में जयप्रकाश ने भी अपनी एक अच्छी क्रिया दी थी इस फिल्म को और दुरई सुधाकर साची मुथु की भूमिका में देखने को मिलती हैं। आर के सुरेश कन्यान की भूमिका में देखते हैं और वहीं सिंगम पुली रविंद्र रवि काले की भूमिका में हमें इस फिल्म में दिखाया जाता है। शत्रु का किरदार भी इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है और राज अयप्पा बाला शरवणन और जी एम कुमार की एक बेहतर भूमिका इस फिल्म में हमें देखने को मिलती हैं। फिल्म का अस्थायी रूप से शीर्षक अर्थव 2018 था तथा 10 नवंबर 2022 को फिल्म का शीर्षक पट्टाथु आरासन घोषित किया गया था। इसमें लाइका प्रोडक्शन ने फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया था और चंदन की अभिनेत्री अंशिका रंगनाथ ने इस फिल्म को पहला महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए अनुबंधित भी किया था। मूवी की मुख्य शूटिंग तंजावुर के पास पान के पत्ते के बगान में की गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लगती है। फिल्म की सॉन्ग की बात करें साउंड अट्रैक्ट एल्बम की तो घीब रान के द्वारा दिया गया था और सभी गाने को 2022 में रिलीज करी थी और रिकॉर्ड भी उन्हीं के टाइम में किया गया था। फिल्म की शैली की बात करें मूवी बहुत ही बेहतर है और गाने की शैली फीचर फिल्म साउंड अट्रैक्ट की शैली में रखा गया है। सॉन्ग की लेंथ 21 मिनट के आसपास है, यानी कि इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा गाने को इंक्लूड भी किए गए थे। भाषा तमिल भाषा में रिलीज़ किया गया था सभी गाने को और लेबल थिंक म्यूजिक इंडिया की लेबल दी गई थी। कुगल कुटप्पा और पुराथु आसन ट्रिगर जैसी फिल्मों में इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑडियो दी है। फिल्म का म्यूजिक घीबरन के द्वारा रचित किए गए हैं, जो कि ट्रिगर के बाद अर्थव के साथ उसका दूसरा सहयोग है और वागई शुदा वा और नैदी के बाद सर कुनम का यह तीसरा सहयोग दिखाया जाता है। पहला एकल शीर्षक यारो यारो ईवा 18 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। फिल्म में हमें 6 गाने को इंक्लूड करते हुए दिखाई दिए थे और सभी गाने की टोटल लेंथ 21 मिनट के आसपास रही थी और फिल्म को गाने को भी काफ़ी ज़्यादा अपीयरेंस मिला था। फिल्म के गाने लगभग 3 से 4 मिनट के आसपास रहती है और गाने यारो यारो ईवा सॉन्ग को बोल मनी अमु धवन के द्वारा दिया गया था और इस सॉन्ग के गायक यानीज नजीर रहे थे। सिंगर्स इस फिल्म में केजी रंजीत, वंदना श्रीनिवासन, गोल्ड देवराज, अरविंद श्रीनिवास और शरत संतोष के साथ साथ सेनबाज और विंगेश सत्यप्रकाश, ए सरख मूर्ति और अनुदीप देव जैसे बेहतर किरदारों ने दी थी। यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज करी गई थी और फिल्म का ट्रेलर 18 नवंबर को रिलीज किया गया था, नवंबर दिसंबर को, और बहुत ही जल्द इस फिल्म के ट्रेलर के साथ साथ मूवी की कहानी भी रिवील कर दी गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। फिल्म की बात करें होम मीडिया की तो फिल्म को फर्स्ट पोस्ट और थियोरेटिकल स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स के द्वारा बेचे गए थे और सभी ने एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हुए फिल्म का राइट्स को एक बेहतर रिस्पॉन्स में माना था। फिल्म में एक बहुत ही बेहतरीन बात यह भी है कि फिल्म की एक स्ट्रीमिंग के साथ साथ फिल्म के राइट्स को भी खरीदा गया था और मूवी अच्छे योग्य मूल्यों के साथ इसे सौदा किया गया हो। फिल्म का सेटेलाइट राइट्स सन टीवी को बेचे गए थे और फिल्म की स्वागत समारोह की बात करें फिल्म के रिव्यूज के बारे में तो मूवी ने अच्छी खासी रिव्यूज और पॉजिटिव रिव्यूज के साथ साथ एक अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया था। आइए बात करते हैं फिल्म के रिव्यूज के बारे में। द टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्रन ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और कहा कुल मिलाकर शेर कुमन का एक
पट्टथु आराशन के लिए कुछ काम कर सकता है, लेकिन काश यह शैली आविष्कारशील विचार से लाता। और एबीपी लाइव की यू स्त्री ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और कहा, अगर केवल कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले भावुक दृश्यों को काट दिया होता तो और लड़ाई के दृश्यों को शामिल किया होता तो टाइटैनिक राजा वास्तव में बैंड वॉन को हिला देता था और हिला सकता था। सिनेमा एक्सप्रेस के चांदनी आर ने फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग देते हुए कहा, ग्रामीण नाटकों के सभी न खत्म होने वाले बैराज के बावजूद भी यह एक अच्छी शैली है और अभी तक काम करती है, क्योंकि इसके परिवेश के लिए यह बनाई गई थी और फिल्म का सही प्रदर्शन कर सकती है और जड़ता और खिंचाव के साथ रखा जाता है। दीना मल्लार ने फिल्म को 5 में से 2.25 की रेटिंग दी और कहा, फिल्म कैंपेनियन की श्रुति गणपति राम ने लिखा था, जबकि फिल्म में एकमात्र प्रमुख महिला पात्र का नाम स्थापित करती है तो रन टाइम 90 मिनट के बाद दिखाया जाता है। सांकेतिक वाद और अपना खूबसूरत सिर उठता है और इसकी निष्ठा स्पष्ट हो जाती है। मूवी क्रो के अश्विन राम ने फिल्म की रेटिंग 5 में से 2 दी और लिखा कि पागल के दिलचस्प संघर्ष और पटकथा के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसे दशकों से पहले किया जाना चाहिए था और वह एक भावनात्मक नाटक जिसमें कोई तनाव या जड़ का कारक नहीं है। सिनेमा विघटन आलोचक ने लिखा है कि यह एक परिचित गांव की कहानी को लेते हुए पट्टथु आराशन की टीम ने ऐसे दृश्यों के साथ एक उबाऊ फिल्म बनाई है जो कि नहीं है, और फिल्म एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म की कहानी को आगे भी बढ़ाती है। फिल्म की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। मूवी में एक सॉन्ग को भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया गया था और फिल्म का एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। मूवी कई सारे सीन पर ऐसे हमारे सोच पर खरी उतरती है और फिल्म की कहानी एक अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। खासकर इस फिल्म में किरदारों के बारे में बात करें, मूवी के लीड एक्टर और एक्ट्रेस ने एक अच्छी भूमिका दी थी और उनकी कैरेक्टर ने अपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए इस फिल्म की स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस भी किया गया था। मूवी की बात करें फिल्म के दिलचस्पिंग पॉइंट्स के बारे में, तो फिल्म को खासकर इसके कैरेक्टर के लिए और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करने के लिए फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेहतर टाइम लेते हुए फिल्म को एक अच्छी रन टाइम और अच्छे स्टोरी के साथ बिल्डअप किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था। मूवी में बात करें इस फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो फिल्म एक अच्छी फ्लो में चलती है और फिल्म में देखते टाइम कहीं भी बोरियत का अनुभव नहीं होता है। फिल्म में कई सारे ऐसे सीन्स भी देखे जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हैं, लेकिन आप इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें फिल्म की स्टोरी के बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ अलग रखे गए हैं ताकि मूवी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काबिले तारीफ बनाया जा सके। फिल्म की आइए बात करते हैं मूवी के बारे में, तो फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी जाती है और फिल्म को अच्छा खासा भी कहा जाता है। फिल्म को खासकर पब्लिक के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन क्रिटिक्स के द्वारा इस फिल्म को ठीक ठाक किसी तरह से रिस्पॉन्स मिले थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। फिल्म का एक संगीत ऐसा है, मूवी में म्यूजिक को काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया गया था, फिल्म में म्यूजिक का रोल प्ले काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया गया था, तो उम्मीद करते हैं कि फिल्म का रोल प्ले हमें बाहर भी देखने को मिलेगा और फिल्म में एक अच्छा फ्लो हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी की बात करें इस फिल्म में फ्लो की, तो मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है और फिल्म को एक फ्लो के रूप में हमें इन्हीं की भूमिका निभाई जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होती है। फिल्म के कई सारे पार्ट्स और फिल्म के पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा गूज बम्स आ जाएंगे और फिल्म में एक अच्छी स्टोरी के साथ साथ फिल्म की एक बेहतर एंडिंग भी दिखाई गई है, तो इस वजह से फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट्स भी बनकर हमारे सामने उभरता है और मूवी हमारे सामने आती है। फिल्म की खास बात यह है कि मूवी हमें कहीं भी बोर नहीं होने देती है और फिल्म का एक अच्छा फ्लो हमें ले चलता है अपने मनोरंजन की ओर।
फिल्म में कई सारे पॉइंट्स पर ऐसे भी दिखाए गए हैं जो कि मूवी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, और फिल्म एक हमारे सामने एक अच्छी फ्लो में एक अच्छा किरदार देखने को मिलती है। मूवी में बेहद ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प किरदारों के साथ देखने को मिलता है। फिल्म का कई सारे पॉइंट्स में ऐसे भी देखे जाते हैं कि मूवी कुछ हद तक सही कर पाती है, लेकिन इस फिल्म में ऐसा देखा गया है कि मूवी एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म को आगे बढ़ाती है और फिल्म की कहानी को चलाती है। फिल्म में एक पट्टाथू आरासन मूवी की बात करें तो मूवी में फिल्म का किरदार ने और फिल्म के खासकर महिला प्रधान भूमिका ने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म को अच्छे तरीके से बिल्डअप भी किया था और फिल्म में एक बेहतरीन किरदारों को लाया गया था। मूवी को स्पोर्ट ड्रामा फिल्म मानी जाती है और फिल्म एक अच्छी खासी एक्शन सीन्स भी इस मूवी में देखने को मिलता है। मूवी का निर्देशक सुरकुमारन ने अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फिल्म की निभाई थी और फिल्म में पत्नी के साथ कई वारिस हो ऐसे कॉन्सेप्ट को भी एक अजूबा कॉन्सेप्ट हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अलग भी लग सकती है। फिल्म की ऐसी पॉइंट्स भी हमें ध्यान देती है जो कि मूवी काफ़ी ज़्यादा वीक पॉइंट्स अक्सर जगहों पर हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म को आप देखना चाहते हैं तो मूवी के डिजिटल राइट्स आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इस फिल्म को जब कभी भी रिलीज किया जाएगा तो फिल्म को आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं और मोबाइल को आप सिर्फ नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर और प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, और मूवी को आप टीवी पर देखना चाहें तो मूवी के टीवी के राइट्स खरीदे गए थे सन टीवी के द्वारा। आप इस फिल्म को वहाँ पर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इसके डिजिटल राइट्स को नेटफ्लिक्स पर बेचे गए थे, मूवी आप अच्छी तरीके से वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पट्टाथू आरासन फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यूट्यूब पर आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगे इस फिल्म के नाम से, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह फिल्म को आप कहाँ पर देख सकते हैं और यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिल सकती है बिल्कुल अच्छे तरीके से। दोस्तों, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, मूवी की कास्ट और फिल्म की पूरी स्टोरी को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। पट्टाथू आरासन इस मूवी का नाम रखा गया है। इस फिल्म को अनुवाद करें हिंदी में तो इस मूवी का नाम रॉयल किंग के नाम से रखा गया है। फिल्म 2022 में तमिल भाषा में रिलीज होती है और इस फिल्म को एक स्पोर्ट और एक्शन ड्रामा फिल्म की श्रेणी में रखा जाता है। फिल्म को ए सुकुमारन के द्वारा लिखा गया है और फिल्म को एक स्पोर्ट एक्शन ड्रामा फिल्म माना जाता है। मूवी को निर्देशित भी उन्हीं के द्वारा किया गया है, सुरकुमारन के द्वारा। फिल्म लाइका प्रोडक्शन और अली राजा सुभाषकरण के द्वारा निर्मित करी गई है और इसमें अर्थव राजकिरण, आशिका रंगाथन और राधिका शरत कुमार मुख्य भूमिका में इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। मूवी का प्लॉट, एक थिरुवायु के पास एक हरे रंग की टोपी वाले पान के खेतों की पृष्ठभूमि के खिलाफ दिखाई जाती है। फिल्म में एक संगीत घीबरन द्वारा रचित है और जबकि लोगनाथन श्रीनिवासन के छायांकन और संपादन उनके द्वारा किया गया है। राजा मोहम्मद यह फिल्म में हमें देखने को मिलते हैं और यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज करी गई थी। इसे आलोचकों के द्वारा सकारात्मक समीक्षा मिली थी, यानी कि यह फिल्म एक पॉजिटिव रिव्यू के साथ खड़ी हुई थी। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म को अच्छे तरीके से प्रेजेंट इस फिल्म में किया गया था। इस फिल्म के डिजिटल उत्पादन कंपनी लाइका प्रोडक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉपुलर कंपनी है, उन्हीं के द्वारा लिए गए थे। फिल्म का निर्देशन ए सुरकुमारन के द्वारा किया गया है और फिल्म को उन्होंने ही लिखा भी है। मूवी के निर्माता अली राजा सुभाषकरण के द्वारा फिल्म को निर्मित किया गया है और मूवी का अभिनेता हमें अर्थव राजकिरण और आशिका रंगनाथ देखने को मिलते हैं। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है और मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन किरदारों के साथ निभाते हुए हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। मूवी की खास बात यह है कि फिल्म एक बेहतरीन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म एक अच्छे तरीके से तैयार भी किया जाता है।
फिल्म का छायांकन लोकनाथ श्रीनिवासन के द्वारा दिया गया है और यह फिल्म का संपादित किया गया है राजा मोहम्मद के द्वारा। मूवी में म्यूजिक दिया गया है घीबरान के किरदार में और इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी लाइका प्रोडक्शन रही थी। फिल्म रिलीज की गई थी 25 नवंबर 2022 को। इनकी मूवी हाल ही फिलहाल में रिलीज हुई है। फिल्म की रनिंग टाइम 137 मिनट के आसपास है और फिल्म भारत में रिलीज किया गया है, ऑफिशियल तमिल भाषा में रिलीज किया गया है। मूवी पोथारी के एक पूर्व कबड्डी खिलाड़ी दिखाई जाती है जो कि व्यापक रूप से महानतम खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उनकी दो पत्नियां होती हैं और परिवार खुशी खुशी चल रहा होता है, भले ही किसी एक पत्नी के साथ कई वारिस हों और दूसरे के साथ सिर्फ एक। संपत्ति को कानून के अनुसार समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए, ऐसी इस फिल्म है कहानी को बतलाया जाता है। फिल्म अर्थव चिन्ना दुराई के रूप में इस फिल्म में दिखाया जाता है और मूवी पोथा थारी का किरदार राज किरण के द्वारा निभाई जाती है। मूवी पवित्रा के रूप में अंशिका रंगनाथ और राधिका शरत कुमार विजया की भूमिका में हमें देखने को मिलती हैं। वहीं इस फिल्म में जयप्रकाश ने भी अपनी एक अच्छी क्रिया दी थी इस फिल्म को और दुरई सुधाकर साची मुथु की भूमिका में देखने को मिलती हैं। आर के सुरेश कन्यान की भूमिका में देखते हैं और वहीं सिंगम पुली रविंद्र रवि काले की भूमिका में हमें इस फिल्म में दिखाया जाता है। शत्रु का किरदार भी इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है और राज अयप्पा, बाला शरवणन और जी एम कुमार की एक बेहतर भूमिका इस फिल्म में हमें देखने को मिलती हैं। फिल्म का अस्थायी रूप से शीर्षक अर्थव 2018 था तथा 10 नवंबर 2022 को फिल्म का शीर्षक पट्टाथु आरासन घोषित किया गया था। इसमें लाइका प्रोडक्शन ने फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया था और चंदन की अभिनेत्री अंशिका रंगनाथ ने इस फिल्म को पहला महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए अनुबंधित भी किया था। मूवी की मुख्य शूटिंग तंजावुर के पास पान के पत्ते के बगान में की गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लगती है। फिल्म की सॉन्ग की बात करें साउंड अट्रैक्ट एल्बम की, तो घीबरान के द्वारा दिया गया था और सभी गाने को 2022 में रिलीज करी थी और रिकॉर्ड भी उन्हीं के टाइम में किया गया था। फिल्म की शैली की बात करें, मूवी बहुत ही बेहतर है और गाने की शैली फीचर फिल्म साउंड अट्रैक्ट की शैली में रखा गया है। सॉन्ग की लेंथ 21 मिनट के आसपास है, यानी कि इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा गाने को इंक्लूड भी किए गए थे। भाषा तमिल भाषा में रिलीज़ किया गया था सभी गाने को और लेबल थिंक म्यूजिक इंडिया की लेबल दी गई थी। कुगल कुटप्पा और पुराथु आसन ट्रिगर जैसी फिल्मों में इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑडियो दी है। फिल्म का म्यूजिक घीबरन के द्वारा रचित किए गए हैं, जो कि ट्रिगर के बाद अर्थव के साथ उसका दूसरा सहयोग है और वागई शुदा वा और नैदी के बाद सरकुनम का यह तीसरा सहयोग दिखाया जाता है। पहला एकल शीर्षक यारो यारो ईवा 18 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। फिल्म में हमें 6 गाने को इंक्लूड करते हुए दिखाई दिए थे और सभी गाने की टोटल लेंथ 21 मिनट के आसपास रही थी और फिल्म को गाने को भी काफ़ी ज़्यादा अपीयरेंस मिला था। फिल्म के गाने लगभग 3 से 4 मिनट के आसपास रहती है और गाने यारो यारो ईवा सॉन्ग को बोल मणि अमु धवन के द्वारा दिया गया था और इस सॉन्ग के गायक यानिज नजीर रहे थे। सिंगर्स इस फिल्म में केजी रंजीत, वंदना श्रीनिवासन, गोल्ड देवराज, अरविंद श्रीनिवास और शरत संतोष के साथ साथ सेनबाज और विंगेश सत्यप्रकाश, ए सरख मूर्ति और अनुदीप देव जैसे बेहतर किरदारों ने दी थी। यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज करी गई थी और फिल्म का ट्रेलर 18 नवंबर को रिलीज किया गया था।
नवंबर दिसंबर को, और बहुत ही जल्द इस फिल्म के ट्रेलर के साथ साथ मूवी की कहानी भी रिवील कर दी गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। फिल्म की बात करें होम मीडिया की, तो फिल्म को फर्स्ट पोस्ट और थियोरेटिकल स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स के द्वारा बेचे गए थे, और सभी ने एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हुए फिल्म का राइट्स को एक बेहतर रिस्पॉन्स में माना था। फिल्म में एक बहुत ही बेहतरीन बात यह भी है कि फिल्म की एक स्ट्रीमिंग के साथ साथ फिल्म के राइट्स को भी खरीदा गया था, और मूवी अच्छे योग्य मूल्यों के साथ इसे सौदा किया गया हो। फिल्म का सेटेलाइट राइट सन टीवी को बेचे गए थे, और फिल्म की स्वागत समारोह की बात करें फिल्म के रिव्यूज के बारे में, तो मूवी ने अच्छी खासी रिव्यूज और पॉजिटिव रिव्यूज के साथ साथ एक अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया था। आइए बात करते हैं फिल्म के रिव्यूज के बारे में। द टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्रन ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और कहा, कुल मिलाकर शेर कुमन का एक पट्टथु आराशन के लिए कुछ काम कर सकता है, लेकिन काश यह शैली आविष्कारशील विचार से लाता। और एबीपी लाइव की यू स्त्री ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और कहा, अगर केवल कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले भावुक दृश्यों को काट दिया होता तो, और लड़ाई के दृश्यों को शामिल किया होता तो, टाइटैनिक राजा वास्तव में बैंड वॉन को हिला देता था और हिला सकता था। सिनेमा एक्सप्रेस के चांदनी आर ने फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग देते हुए कहा, ग्रामीण नाटकों के सभी न खत्म होने वाले बैराज के बावजूद भी यह एक अच्छी शैली है और अभी तक काम करती है, क्योंकि इसके परिवेश के लिए यह बनाई गई थी और फिल्म का सही प्रदर्शन कर सकती है और जड़ता और खिंचाव के साथ रखा जाता है। दीना मल्लार ने फिल्म को 5 में से 2.25 की रेटिंग दी और कहा, फिल्म कैंपेनियन की श्रुति गणपति राम ने लिखा था, जबकि फिल्म में एकमात्र प्रमुख महिला पात्र का नाम स्थापित करती है तो रन टाइम 90 मिनट के बाद दिखाया जाता है। सांकेतिकवाद और अपना खूबसूरत सिर उठता है और इसकी निष्ठा स्पष्ट हो जाती है। मूवी क्रो के अश्विन राम ने फिल्म की रेटिंग 5 में से 2 दी और लिखा कि पागल के दिलचस्प संघर्ष और पटकथा के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसे दर्शकों से पहले किया जाना चाहिए था, और वह एक भावनात्मक नाटक जिसमें कोई तनाव या जड़ का कारक नहीं है। सिनेमा विघटन आलोचक ने लिखा है कि यह एक परिचित गांव की कहानी को लेते हुए पट्टथु आरासन की टीम ने ऐसे दृश्यों के साथ एक उबाऊ फिल्म बनाई है, जो कि नहीं है, और फिल्म एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म की कहानी को आगे भी बढ़ाती है। फिल्म की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। मूवी में एक सॉन्ग को भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया गया था और फिल्म का एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। मूवी कई सारे सीन पर ऐसे हमारे सोच पर खरी उतरती है और फिल्म की कहानी एक अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। खासकर इस फिल्म में किरदारों के बारे में बात करें, मूवी के लीड एक्टर और एक्ट्रेस ने एक अच्छी भूमिका दी थी और उनकी कैरेक्टर ने अपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए इस फिल्म की स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस भी किया गया था। मूवी की बात करें फिल्म के दिलचस्पिंग पॉइंट्स के बारे में, तो फिल्म को खासकर इसके कैरेक्टर के लिए और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करने के लिए फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेहतर टाइम लेते हुए फिल्म को एक अच्छी रन टाइम और अच्छे स्टोरी के साथ बिल्डअप किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था। मूवी में बात करें इस फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो फिल्म एक अच्छी फ्लो में चलती है और फिल्म में देखते टाइम कहीं भी बोरियत का अनुभव नहीं होता है। फिल्म में कई सारे ऐसे सीन्स भी देखे जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हैं, लेकिन आप इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें फिल्म की स्टोरी के बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ अलग रखे गए हैं, ताकि मूवी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काबिले तारीफ बनाया जा सके। फिल्म की आइए बात करते हैं मूवी के बारे में, तो फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी जाती है और फिल्म को अच्छा खासा भी कहा जाता है। फिल्म को खासकर पब्लिक के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन क्रिटिक्स के द्वारा इस फिल्म को
ठीक ठाक किसी तरह से रिस्पॉन्स मिले थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। फिल्म का एक संगीत ऐसा है, मूवी में म्यूजिक को काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया गया था, फिल्म में म्यूजिक का रोल प्ले काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि फिल्म का रोल प्ले हमें बाहर भी देखने को मिलेगा और फिल्म में एक अच्छा फ्लो हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। दोस्तों, मूवी की बात करें इस फिल्म में फ्लो की, तो मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है और फिल्म को एक फ्लो के रूप में हमें इन्हीं की भूमिका निभाई जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होती है। फिल्म के कई सारे पार्ट्स और फिल्म के पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा गूज बम्प्स आ जाएंगे और फिल्म में एक अच्छी स्टोरी के साथ साथ फिल्म की एक बेहतर एंडिंग भी दिखाई गई है। तो इस वजह से फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट्स भी बनकर हमारे सामने उभरता है और मूवी हमारे सामने आती है। फिल्म की खास बात यह है कि मूवी हमें कहीं भी बोर नहीं होने देती है और फिल्म का एक अच्छा फ्लो हमें ले चलता है अपने मनोरंजन की ओर। फिल्म में कई सारे पॉइंट्स पर ऐसे भी दिखाए गए हैं जो कि मूवी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और फिल्म एक हमारे सामने एक अच्छी फ्लो में एक अच्छा किरदार देखने को मिलती है। मूवी में बेहद ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प किरदारों के साथ देखने को मिलता है। फिल्म का कई सारे पॉइंट्स में ऐसे भी देखे जाते हैं कि मूवी कुछ हद तक सही कर पाती है, लेकिन इस फिल्म में ऐसा देखा गया है कि मूवी एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म को आगे बढ़ाती है और फिल्म की कहानी को चलाती है। फिल्म में एक पट्टाथु आरासन मूवी की बात करें तो मूवी में फिल्म का किरदार ने और फिल्म के खासकर महिला प्रधान भूमिका ने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म को अच्छे तरीके से बिल्डअप भी किया था और फिल्म में एक बेहतरीन किरदारों को लाया गया था। मूवी को स्पोर्ट ड्रामा फिल्म मानी जाती है और फिल्म एक अच्छी खासी एक्शन सीन्स भी इस मूवी में देखने को मिलता है। मूवी का निर्देशक ए सुरकुमारन ने अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फिल्म की निभाई थी और फिल्म में पत्नी के साथ कई वारिस हो ऐसे कॉन्सेप्ट को भी एक अजूबा कॉन्सेप्ट हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अलग भी लग सकती है। फिल्म की ऐसी पॉइंट्स भी हमें ध्यान देती है जो कि मूवी काफ़ी ज़्यादा वीक पॉइंट्स अक्सर जगहों पर हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म को आप देखना चाहते हैं तो मूवी के डिजिटल राइट्स आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इस फिल्म को जब कभी भी रिलीज किया जाएगा तो फिल्म को आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं और मोबाइल को आप सिर्फ नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर और प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। और मूवी को आप टीवी पर देखना चाहें तो मूवी के टीवी के राइट्स खरीदे गए थे सन टीवी के द्वारा, आप इस फिल्म को वहाँ पर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इसके डिजिटल राइट्स को नेटफ्लिक्स पर बेचे गए थे, मूवी आप अच्छी तरीके से वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पट्टाथु आरासन फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। YouTube पर आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोज मिल जाएंगे इस फिल्म के नाम से, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह फिल्म को आप कहाँ पर देख सकते हैं और यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिल सकती है बिल्कुल अच्छे तरीके से। दोस्तों, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, मूवी की कास्ट और फिल्म की पूरी स्टोरी को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। पट्टाथु आरासन इस मूवी का नाम रखा गया है। इस फिल्म को अनुवाद करें हिंदी में तो इस मूवी का नाम रॉयल किंग के नाम से रखा गया है। फिल्म 2022 में तमिल भाषा में रिलीज होती है और इस फिल्म को एक स्पोर्ट और एक्शन ड्रामा फिल्म की श्रेणी में रखा जाता है। फिल्म को ए सुकुमारन के द्वारा लिखा गया है और फिल्म को एक स्पोर्ट एक्शन ड्रामा फिल्म माना जाता है। मूवी को निर्देशित भी उन्हीं के द्वारा किया गया है, सुरकुमारन के द्वारा। फिल्म लाइका प्रोडक्शन और अल्ली राजा सुभाषकरण के द्वारा निर्मित करी गई है और इसमें अर्थव राजकिरण, आशिका रंगाथन और राधिका शरत कुमार मुख्य भूमिका में इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। मूवी का प्लॉट, एक थिरुवायु के पास एक हरे रंग की टोपी वाले पान के खेतों की पृष्ठभूमि के खिलाफ दिखाई जाती है। फिल्म में एक संगीत घीबरन द्वारा रचित हैं और जबकि लोगनाथन श्रीनिवासन के छायांकन और संपादन उनके द्वारा किया गया है।
राजा मोहम्मद यह फिल्म में हमें देखने को मिलते हैं, और यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज करी गई थी। इसे आलोचकों के द्वारा सकारात्मक समीक्षा मिली थी, यानी कि यह फिल्म एक पॉजिटिव रिव्यू के साथ खड़ी हुई थी। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म को अच्छे तरीके से प्रेजेंट इस फिल्म में किया गया था। इस फिल्म के डिजिटल उत्पादन कंपनी लाइका प्रोडक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉपुलर कंपनी है, उन्हीं के द्वारा लिए गए थे। फिल्म का निर्देशन ए सर कूनम के द्वारा किया गया है, और फिल्म को उन्होंने ही लिखा भी है। मूवी के निर्माता अली राजा सुभाषकरण के द्वारा फिल्म को निर्मित किया गया है, और मूवी का अभिनेता हमें अर्थव राजकिरण और आशिका रंगनाथ देखने को मिलते हैं। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, और मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन किरदारों के साथ निभाते हुए हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। मूवी की खास बात यह है कि फिल्म एक बेहतरीन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म एक अच्छे तरीके से तैयार भी किया जाता है। फिल्म का छायांकन लोकनाथ श्रीनिवासन के द्वारा दिया गया है, और यह फिल्म का संपादित किया गया है राजा मोहम्मद के द्वारा। मूवी में म्यूजिक दिया गया है घीबरान के किरदार में, और इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी लाइका प्रोडक्शन रही थी। फिल्म रिलीज करी गई थी 25 नवंबर 2022 को, यानी कि मूवी हाल ही फिलहाल में रिलीज हुई है। फिल्म की रनिंग टाइम 137 मिनट के आसपास है, और फिल्म भारत में रिलीज किया गया है, ऑफिशियल तमिल भाषा में रिलीज किया गया है। मूवी पोथारी के एक पूर्व कबड्डी खिलाड़ी दिखाई जाती है, जो कि व्यापक रूप से महानतम खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उनकी दो पत्नियां होती हैं, और परिवार खुशी खुशी चल रहा होता है। भले ही किसी एक पत्नी के साथ कई वारिश हों, और दूसरे के साथ सिर्फ एक, संपत्ति को कानून के अनुसार समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए, ऐसी इस फिल्म है कहानी को बतलाया जाता है। फिल्म अर्थव चिन्ना दुराई के रूप में इस फिल्म में दिखाया जाता है, और मूवी पोथा थारी का किरदार राज किरण के द्वारा निभाई जाती है। मूवी पवित्रा के रूप में अंशिका रंगनाथ और राधिका शरत कुमार विजया की भूमिका में हमें देखने को मिलती हैं। वहीं इस फिल्म में जयप्रकाश ने भी अपनी एक अच्छी क्रिया दी थी इस फिल्म को, और दुरई सुधाकर साची मुथु की भूमिका में देखने को मिलती हैं। आर के सुरेश कन्यान की भूमिका में देखते हैं, और वहीं सिंगम पुली रविंद्र रवि काले की भूमिका में हमें इस फिल्म में दिखाया जाता है। शत्रु का किरदार भी इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है, और राज अयप्पा बाला शरवणन और जी एम कुमार की एक बेहतर भूमिका इस फिल्म में हमें देखने को मिलती हैं। फिल्म का अस्थायी रूप से शीर्षक अर्थव 2018 था, तथा 10 नवंबर 2022 को फिल्म का शीर्षक पट्टाथू आरासन घोषित किया गया था। इसमें लाइका प्रोडक्शन ने फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया था, और चंदन की अभिनेत्री आंशिका रंगनाथ ने इस फिल्म को पहला महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए अनुबंधित भी किया था। मूवी की मुख्य शूटिंग तंजावुर के पास पान के पत्ते के बगान में की गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लगती है। फिल्म की सॉन्ग की बात करें साउंड अट्रैक्ट एल्बम की, तो घीबरान के द्वारा दिया गया था, और सभी गाने को 2022 में रिलीज करी थी, और रिकॉर्ड भी उन्हीं के टाइम में किया गया था। फिल्म की शैली की बात करें, मूवी बहुत ही बेहतर है, और गाने की शैली फीचर फिल्म साउंड अट्रैक्ट की शैली में रखा गया है। सॉन्ग की लेंथ 21 मिनट के आसपास है, यानी कि इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा गाने को इंक्लूड भी किए गए थे। भाषा तमिल भाषा में रिलीज किया गया था सभी गाने को, और लेबल थिंक म्यूजिक इंडिया की लेबल दी गई थी। कुगल कुटप्पा और पुराथु आसन ट्रिगर जैसी फिल्मों में इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑडियो दी है। फिल्म का म्यूजिक घीबरन के द्वारा रचित किए गए हैं, जो कि ट्रिगर के बाद अर्थव के साथ उसका दूसरा सहयोग है, और वागई शुदा वा और नैदी के बाद सर कूनम का यह तीसरा सहयोग दिखाया जाता है। पहला एकल शीर्षक यारो यारो ईवा 18 नवंबर 2022 को जारी किया गया था।
फिल्म में हमें 6 गाने को इंक्लूड करते हुए दिखाई दिए थे और सभी गाने की टोटल लेंथ 21 मिनट के आसपास रही थी और फिल्म को गाने को भी काफ़ी ज़्यादा अपीयरेंस मिला था। फिल्म के गाने लगभग 3 से 4 मिनट के आसपास रहती है और गाने यारो यारो ईवा स्ट्रॉन्ग को बोल मनि अमु धवन के द्वारा दिया गया था और इस सॉन्ग के गायक यानिज नजीर रहे थे। सिंगर्स इस फिल्म में केजी रंजीत, वंदना श्रीनिवासन, गोल्ड देवराज, अरविंद श्रीनिवास और शरत संतोष के साथ साथ सेनबाज और विंगेश सत्यप्रकाश, ए सरख मूर्ति और अनुदीप देव जैसे बेहतर किरदारों ने दी थी। यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी और फिल्म का ट्रेलर 18 नवंबर को रिलीज किया गया था, नवंबर दिसंबर को, और बहुत ही जल्द इस फिल्म के ट्रेलर के साथ साथ मूवी की कहानी भी रिवील कर दी गई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। फिल्म की बात करें होम मीडिया की तो फिल्म को फर्स्ट पोस्ट और थियोरेटिकल स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स के द्वारा बेचे गए थे और सभी ने एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हुए फिल्म का राइट्स को एक बेहतर रिस्पॉन्स में माना था। फिल्म में एक बहुत ही बेहतरीन बात यह भी है कि फिल्म की एक स्ट्रीमिंग के साथ साथ फिल्म के राइट्स को भी खरीदा गया था और मूवी अच्छे योग्य मूल्यों के साथ इसे सौदा किया गया हो। फिल्म का सेटेलाइट राइट सन टीवी को बेचे गए थे और फिल्म की स्वागत समारोह की बात करें फिल्म के रिव्यूज के बारे में तो मूवी ने अच्छी खासी रिव्यूज और पॉजिटिव रिव्यूज के साथ साथ एक अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया था। आइए बात करते हैं फिल्म के रिव्यूज के बारे में। द टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्रन ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और कहा कुल मिलाकर शेर कुमन का एक पट्टथू आराशन के लिए कुछ काम कर सकता है लेकिन काश यह शैली आविष्कारशील विचार से लाता। और एबीपी लाइव की यू स्त्री ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और कहा अगर केवल कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले भावुक दृश्यों को काट दिया होता तो और लड़ाई के दृश्यों को शामिल किया होता तो टाइटैनिक राजा वास्तव में बैंड वॉन को हिला देता था और हिला सकता था। सिनेमा एक्सप्रेस के चांदनी आर ने फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग देते हुए कहा ग्रामीण नाटकों के सभी न खत्म होने वाले बैराज के बावजूद भी यह एक अच्छी शैली है और अभी तक काम करती है क्योंकि इसके परिवेश के लिए यह बनाई गई थी और फिल्म का सही प्रदर्शन कर सकती है और जड़ता और खिंचाव के साथ रखा जाता है। दीना मल्लार ने फिल्म को 5 में से 2.25 की रेटिंग दी और कहा फिल्म कैंपेनियन की श्रुति गणपति राम ने लिखा था जबकि फिल्म में एकमात्र प्रमुख महिला पात्र का नाम स्थापित करती है तो रन टाइम 90 मिनट के बाद दिखाया जाता है। सांकेतिक वाद और अपना खूबसूरत सिर उठता है और इसकी निष्ठा स्पष्ट हो जाती है। मूवी क्रो के अश्विन राम ने फिल्म की रेटिंग 5 में से 2 दी और लिखा कि पागल के दिलचस्प संघर्ष और पटकथा के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसे दर्शकों से पहले किया जाना चाहिए था और वह एक भावनात्मक नाटक जिसमें कोई तनाव या जड़ का कारक नहीं है। सिनेमा विघटन आलोचक ने लिखा है कि यह एक परिचित गांव की कहानी को लेते हुए पट्टथू आरासन की टीम ने ऐसे दृश्यों के साथ एक उबाऊ फिल्म बनाई है जो कि नहीं है और फिल्म एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म की कहानी को आगे भी बढ़ाती है। फिल्म की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। मूवी में एक सॉन्ग को भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया गया था और फिल्म का एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। मूवी कई सारे सीन पर ऐसे हमें हमारे सोच पर खरी उतरती है और फिल्म की कहानी एक अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। खासकर इस फिल्म में किरदारों के बारे में बात करें मूवी के लीड एक्टर और एक्ट्रेस ने एक अच्छी भूमिका दी थी और उनकी कैरेक्टर ने अपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए इस फिल्म की स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस भी किया गया था।
मूवी की बात करें फिल्म के दिलचस्पिंग पॉइंट्स के बारे में, तो फिल्म को खासकर इसके कैरेक्टर के लिए और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करने के लिए फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेहतर टाइम लेते हुए फिल्म को एक अच्छी रन टाइम और अच्छे स्टोरी के साथ बिल्डअप किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था। मूवी में बात करें इस फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो फिल्म एक अच्छी फ्लो में चलती है और फिल्म में देखते टाइम कहीं भी बोरियत का अनुभव नहीं होता है। फिल्म में कई सारे ऐसे सीन्स भी देखे जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हैं, लेकिन आप इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें फिल्म की स्टोरी के बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ अलग रखे गए हैं ताकि मूवी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काबिले तारीफ बनाया जा सके। फिल्म की आइए बात करते हैं मूवी के बारे में, तो फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी जाती है और फिल्म को अच्छा खासा भी कहा जाता है। फिल्म को खासकर पब्लिक के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिस्पांस मिला था, लेकिन क्रिटिक्स के द्वारा इस फिल्म को ठीक ठाक किसी तरह से रिस्पांस मिले थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। फिल्म का एक संगीत ऐसा है, मूवी में म्यूजिक को काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया गया था, फिल्म में म्यूजिक का रोल प्ले काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया गया था, तो उम्मीद करते हैं कि फिल्म का रोल प्ले हमें बाहर भी देखने को मिलेगा और फिल्म में एक अच्छा फ्लो हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी की बात करें इस फिल्म में फ्लो की, तो मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है और फिल्म को एक फ्लो के रूप में हमें इन्हीं की भूमिका निभाई जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होती है। फिल्म के कई सारे पार्ट्स और फिल्म के पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा गूज बम्प्स आ जाएंगे और फिल्म में एक अच्छी स्टोरी के साथ साथ फिल्म की एक बेहतर एंडिंग भी दिखाई गई है, तो इस वजह से फिल्म एक फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट भी बनकर हमारे सामने उभरता है और मूवी हमारे सामने आती है। फिल्म की खास बात यह है कि मूवी हमें कहीं भी बोर नहीं होने देती है और फिल्म का एक अच्छा फ्लो हमें ले चलता है अपने मनोरंजन की ओर। फिल्म में कई सारे पॉइंट्स पर ऐसे भी दिखाए गए हैं जो कि मूवी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और फिल्म एक हमारे सामने एक अच्छी फ्लो में एक अच्छा किरदार देखने को मिलती है। मूवी में बेहद ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प किरदारों के साथ देखने को मिलता है। फिल्म का कई सारे पॉइंट्स में ऐसे भी देखे जाते हैं कि मूवी कुछ हद तक सही कर पाती है, लेकिन इस फिल्म में ऐसा देखा गया है कि मूवी एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म को आगे बढ़ाती है और फिल्म की कहानी को चलाती है। फिल्म में एक पट्टाथू आरासन मूवी की बात करें, तो मूवी में फिल्म का किरदार ने और फिल्म के खासकर महिला प्रधान भूमिका ने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म को अच्छे तरीके से बिल्डअप भी किया था और फिल्म में एक बेहतरीन किरदारों को लाया गया था। मूवी को स्पोर्ट ड्रामा फिल्म मानी जाती है और फिल्म एक अच्छी खासी एक्शन सीन्स भी इस मूवी में देखने को मिलता है। मूवी का निर्देशक सुरकुमारन ने अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फिल्म की निभाई थी और फिल्म में पत्नी के साथ कई वारिस हो ऐसे कॉन्सेप्ट को भी एक अजूबा कॉन्सेप्ट हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अलग भी लग सकती है। फिल्म की ऐसी पॉइंट्स भी हमें ध्यान देती है जो कि मूवी काफ़ी ज़्यादा वीक पॉइंट्स अक्सर जगहों पर हो जाती है। दोस्तों इस फिल्म को आप देखना चाहते हैं तो मूवी के डिजिटल राइट्स आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इस फिल्म को जब कभी भी रिलीज किया जाएगा तो फिल्म को आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं और मोबाइल को आप सिर्फ नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर और प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, और मूवी को आप टीवी पर देखना चाहें तो मूवी के टीवी के राइट्स खरीदे गए थे सन टीवी के द्वारा, आप इस फिल्म को वहाँ पर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इसके डिजिटल राइट्स को नेटफ्लिक्स पर बेचे गए थे, मूवी आप अच्छी तरीके से वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप पट्टाथू आरासन फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। YouTube पर आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोज मिल जाएंगे इस फिल्म के नाम से, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह फिल्म को आप कहाँ पर देख सकते हैं और यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिल सकती है बिल्कुल अच्छे तरीके से। दोस्तों इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, मूवी की कास्ट और फिल्म की पूरी स्टोरी को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करने वाले हैं।
पट्टथु आराशन इस मूवी का नाम रखा गया है। इस फिल्म को अनुवाद करें हिंदी में तो इस मूवी का नाम रॉयल किंग के नाम से रखा गया है। फिल्म 2022 में तमिल भाषा में रिलीज होती है और इस फिल्म को एक स्पोर्ट और एक्शन ड्रामा फिल्म की श्रेणी में रखा जाता है। फिल्म को ए सुकुमारन के द्वारा लिखा गया है और फिल्म को एक स्पोर्ट एक्शन ड्रामा फिल्म माना जाता है। मूवी को निर्देशित भी उन्हीं के द्वारा किया गया है, सर कोमन के द्वारा। फिल्म लाइका प्रोडक्शन और अली राजा सुभाषकरण के द्वारा निर्मित करी गई है और इसमें अर्थव राज किरण, आशिका रंगाथन और राधिका शरत कुमार मुख्य भूमिका में इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। मूवी का प्लॉट, एक थिरुवायु के पास एक हरे रंग की टोपी वाले पान के खेतों की पृष्ठभूमि के खिलाफ दिखाई जाती है। फिल्म में एक संगीत घीबरन द्वारा रचित है और जबकि लोगनाथन श्रीनिवासन के छायांकन और संपादन उनके द्वारा किया गया है। राजा मोहम्मद यह फिल्म में हमें देखने को मिलते हैं और यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज करी गई थी। इसे आलोचकों के द्वारा सकारात्मक समीक्षा मिली थी, यानी कि यह फिल्म एक पॉजिटिव रिव्यू के साथ खड़ी हुई थी। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म को अच्छे तरीके से प्रेजेंट इस फिल्म में किया गया था। इस फिल्म के डिजिटल उत्पादन कंपनी लाइका प्रोडक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉपुलर कंपनी है, उन्हीं के द्वारा लिए गए थे। फिल्म का निर्देशन ए सर कुनम के द्वारा किया गया है और फिल्म को उन्होंने ही लिखा भी है। मूवी के निर्माता अली राजा सुभाषकरण के द्वारा फिल्म को निर्मित किया गया है और मूवी का अभिनेता हमें अर्थव राज किरण और आशिका रंगनाथ देखने को मिलते हैं। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है और मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन किरदारों के साथ निभाते हुए हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। मूवी की खास बात यह है कि फिल्म एक बेहतरीन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म एक अच्छे तरीके से तैयार भी किया जाता है। फिल्म का छायांकन लोकनाथ श्रीनिवासन के द्वारा दिया गया है और यह फिल्म का संपादित किया गया है राजा मोहम्मद के द्वारा। मूवी में म्यूजिक दिया गया है घीबरान के किरदार में और इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी लाइका प्रोडक्शन रही थी। फिल्म रिलीज करी गई थी 25 नवंबर 2022 को, यानी कि मूवी हाल ही फिलहाल में रिलीज हुई है। फिल्म की रनिंग टाइम 137 मिनट के आसपास है और फिल्म भारत में रिलीज किया गया है, ऑफिशियल तमिल भाषा में रिलीज किया गया है। मूवी पोथारी के एक पूर्व कबड्डी खिलाड़ी दिखाई जाती है जो कि व्यापक रूप से महानतम खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उनकी दो पत्नियां होती हैं और परिवार खुशी खुशी चल रहा होता है, भले ही किसी एक पत्नी के साथ कई वारिस हों और दूसरे के साथ सिर्फ एक। संपत्ति को कानून के अनुसार समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए, ऐसी इस फिल्म है कहानी को बतलाया जाता है। फिल्म अर्थव चिन्ना दुराई के रूप में इस फिल्म में दिखाया जाता है और मूवी पोथा थारी का किरदार राज किरण के द्वारा निभाई जाती है। मूवी पवित्रा के रूप में अंशिका रंगनाथ और राधिका शरत कुमार विजया की भूमिका में हमें देखने को मिलती हैं। वहीं इस फिल्म में जयप्रकाश ने भी अपनी एक अच्छी क्रिया दी थी इस फिल्म को और दुरई सुधाकर साची मुथु की भूमिका में देखने को मिलती हैं। आर के सुरेश कन्यान की भूमिका में देखते हैं और वहीं सिंगम पुली रविंद्र रवि काले की भूमिका में हमें इस फिल्म में दिखाया जाता है। शत्रु का किरदार भी इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है और राज अयप्पा, बाला शरवणन और जी एम कुमार की एक बेहतर भूमिका इस फिल्म में हमें देखने को मिलती हैं। फिल्म का अस्थायी रूप से शीर्षक अर्थव 2018 था तथा 10 नवंबर 2022 को फिल्म का शीर्षक पट्टथु आराशन घोषित किया गया था। इसमें लाइका प्रोडक्शन ने फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया था और चंदन की अभिनेत्री आंशिका रंगनाथ ने इस फिल्म को पहला महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए अनुबंधित भी किया था। मूवी की मुख्य शूटिंग तंजावुर के पास पान के पत्ते के बगान में की गई थी।
जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लगती है। फिल्म की सॉन्ग की बात करें साउंड अट्रैक्ट एल्बम की, तो घीब रान के द्वारा दिया गया था और सभी गाने को 2022 में रिलीज करी थी और रिकॉर्ड भी उन्हीं के टाइम में किया गया था। फिल्म की शैली की बात करें, मूवी बहुत ही बेहतर है और गाने की शैली फीचर फिल्म साउंड अट्रैक्ट की शैली में रखा गया है। सॉन्ग की लेंथ 21 मिनट के आसपास है, यानी कि इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा गाने को इंक्लूड भी किए गए थे। भाषा तमिल भाषा में रिलीज़ किया गया था सभी गाने को और लेबल थिंक म्यूजिक इंडिया की लेबल दी गई थी। कुगल कुटप्पा और पुराथु आसन ट्रिगर जैसी फिल्मों में इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑडियो दी है। फिल्म का म्यूजिक घिबरन के द्वारा रचित किए गए हैं, जो कि ट्रिगर के बाद अर्थव के साथ उसका दूसरा सहयोग है और वागई शुदा वा और नैदी के बाद सर कुनम का यह तीसरा सहयोग दिखाया जाता है। पहला एकल शीर्षक यारो यारो ईवा 18 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। फिल्म में हमें 6 गाने को इंक्लूड करते हुए दिखाई दिए थे और सभी गाने की टोटल लेंथ 21 मिनट के आसपास रही थी और फिल्म को गाने को भी काफ़ी ज़्यादा अपीयरेंस मिला था। फिल्म के गाने लगभग 3 से 4 मिनट के आसपास रहती है और गाने यारो यारो ईवा सॉन्ग को बोल मनी अमू धवन के द्वारा दिया गया था और इस सॉन्ग के गायक यानीज नजीर रहे थे। सिंगर्स इस फिल्म में केजी रंजीत, वंदना श्रीनिवासन, गोल्ड देवराज, अरविंद श्रीनिवास और शरत संतोष के साथ साथ सेनबाज और विंगेश सत्यप्रकाश, ए सरख मूर्ति और अनुदीप देव जैसे बेहतर किरदारों ने दी थी। यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज करी गई थी और फिल्म का ट्रेलर 18 नवंबर को रिलीज किया गया था, नवंबर दिसंबर को, और बहुत ही जल्द इस फिल्म के ट्रेलर के साथ साथ मूवी की कहानी भी रिवील कर दी गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। फिल्म की बात करें होम मीडिया की, तो फिल्म को फर्स्ट पोस्ट और थियोरेटिकल स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स के द्वारा बेचे गए थे और सभी ने एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हुए फिल्म का राइट्स को एक बेहतर रिस्पॉन्स में माना था। फिल्म में एक बहुत ही बेहतरीन बात यह भी है कि फिल्म की एक स्ट्रीमिंग के साथ साथ फिल्म के राइट्स को भी खरीदा गया था और मूवी अच्छे योग्य मूल्यों के साथ इसे सौदा किया गया हो। फिल्म का सेटेलाइट राइट सन टीवी को बेचे गए थे और फिल्म के स्वागत समारोह की बात करें फिल्म के रिव्यूज के बारे में, तो मूवी ने अच्छी खासी रिव्यूज और पॉजिटिव रिव्यूज के साथ साथ एक अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया था। आइए बात करते हैं फिल्म के रिव्यूज के बारे में। द टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्रन ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और कहा, कुल मिलाकर शेर कुमन का एक पट्टथु आराशन के लिए कुछ काम कर सकता है, लेकिन काश यह शैली आविष्कारशील विचार से लाता। और एबीपी लाइव की यू स्त्री ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और कहा, अगर केवल कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले भावुक दृश्यों को काट दिया होता तो और लड़ाई के दृश्यों को शामिल किया होता तो टाइटैनिक राजा वास्तव में बैंड वॉन को हिला देता था और हिला सकता था। सिनेमा एक्सप्रेस के चांदनी आर ने फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग देते हुए कहा, ग्रामीण नाटकों के सभी न खत्म होने वाले बैराज के बावजूद भी यह एक अच्छी शैली है और अभी तक काम करती है, क्योंकि इसके परिवेश के लिए यह बनाई गई थी और फिल्म का सही प्रदर्शन कर सकती है और जड़ता और खिंचाव के साथ रखा जाता है। दीना मल्लार ने फिल्म को 5 में से 2.25 की रेटिंग दी और कहा, फिल्म कैंपेनियन की श्रुति गणपति राम ने लिखा था, जबकि फिल्म में एकमात्र प्रमुख महिला पात्र का नाम स्थापित करती है तो रन टाइम 90 मिनट के बाद दिखाया जाता है। सांकेतिक वाद और अपना खूबसूरत सिर उठता है और इसकी निष्ठा स्पष्ट हो जाती है। मूवी क्रो के अश्विन राम ने फिल्म की रेटिंग 5 में से 2 दी और लिखा कि पागल के दिलचस्प संघर्ष और पटकथा के साथ प्रस्तुत किया गया है।
जिसे दर्शकों से पहले किया जाना चाहिए था, और वह एक भावनात्मक नाटक जिसमें कोई तनाव या जड़ का कारक नहीं है। सिनेमा विघटन आलोचक ने लिखा है कि यह एक परिचित गांव की कहानी को लेते हुए पट्टथु आरासन की टीम ने ऐसे दृश्यों के साथ एक उबाऊ फिल्म बनाई है जो कि नहीं है, और फिल्म एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म की कहानी को आगे भी बढ़ाती है। फिल्म की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। मूवी में एक सॉन्ग को भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया गया था, और फिल्म का एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। मूवी कई सारे सीन पर ऐसे हमें हमारे सोच पर खरी उतरती है, और फिल्म की कहानी एक अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। खासकर इस फिल्म में किरदारों के बारे में बात करें, मूवी के लीड एक्टर और एक्ट्रेस ने एक अच्छी भूमिका दी थी, और उनकी कैरेक्टर ने अपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए इस फिल्म की स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस भी किया गया था। मूवी की बात करें फिल्म के दिलचस्पिंग पॉइंट्स के बारे में, तो फिल्म को खासकर इसके कैरेक्टर के लिए और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करने के लिए फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेहतर टाइम लेते हुए फिल्म को एक अच्छी रन टाइम और अच्छे स्टोरी के साथ बिल्डअप किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था। मूवी में बात करें इस फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो फिल्म एक अच्छी फ्लो में चलती है, और फिल्म में देखते टाइम कहीं भी बोरियत का अनुभव नहीं होता है। फिल्म में कई सारे ऐसे सीन्स भी देखे जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हैं, लेकिन आप इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें फिल्म की स्टोरी के बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ अलग रखे गए हैं, ताकि मूवी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काबिले तारीफ बनाया जा सके। फिल्म की आइए बात करते हैं मूवी के बारे में, तो फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी जाती है, और फिल्म को अच्छा खासा भी कहा जाता है। फिल्म को खासकर पब्लिक के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन क्रिटिक्स के द्वारा इस फिल्म को ठीक ठाक किसी तरह से रिस्पॉन्स मिले थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। फिल्म का एक संगीत ऐसा है, मूवी में म्यूजिक को काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया गया था, फिल्म में म्यूजिक का रोल प्ले काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया गया था, तो उम्मीद करते हैं कि फिल्म का रोल प्ले हमें बाहर भी देखने को मिलेगा, और फिल्म में एक अच्छा फ्लो हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी की बात करें इस फिल्म में फ्लो की, तो मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है, और फिल्म को एक फ्लो के रूप में हमें इन्हीं की भूमिका निभाई जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होती है। फिल्म के कई सारे पार्ट्स और फिल्म के पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा गूज बम्प्स आ जाएंगे, और फिल्म में एक अच्छी स्टोरी के साथ साथ फिल्म की एक बेहतर एंडिंग भी दिखाई गई है, तो इस वजह से फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट्स भी बनकर हमारे सामने उभरता है और मूवी हमारे सामने आती है। फिल्म की खास बात यह है कि मूवी हमें कहीं भी बोर नहीं होने देती है, और फिल्म का एक अच्छा फ्लो हमें ले चलता है अपने मनोरंजन की ओर। फिल्म में कई सारे पॉइंट्स पर ऐसे भी दिखाए गए हैं जो कि मूवी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, और फिल्म एक हमारे सामने एक अच्छी फ्लो में एक अच्छा किरदार देखने को मिलती है। मूवी में बेहद ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प किरदारों के साथ देखने को मिलता है। फिल्म का कई सारे पॉइंट्स में ऐसे भी देखे जाते हैं कि मूवी कुछ हद तक सही कर पाती है, लेकिन इस फिल्म में ऐसा देखा गया है कि मूवी एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म को आगे बढ़ाती है और फिल्म की कहानी को चलाती है। फिल्म में एक पट्टाथु आरासन मूवी की बात करें, तो मूवी में फिल्म का किरदार ने और फिल्म के खासकर महिला प्रधान भूमिका ने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म को अच्छे तरीके से बिल्डअप भी किया था, और फिल्म में एक बेहतरीन किरदारों को लाया गया था। मूवी को स्पोर्ट ड्रामा फिल्म मानी जाती है, और फिल्म एक अच्छी खासी एक्शन सीन्स भी इस मूवी में देखने को मिलता है। मूवी का निर्देशक सुरकुमारन ने अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फिल्म की निभाई थी, और फिल्म में पत्नी के साथ कई वारिस हो ऐसे कॉन्सेप्ट को भी एक अजूबा कॉन्सेप्ट हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अलग भी लग सकती है। फिल्म की ऐसी पॉइंट्स भी हमें ध्यान देती है जो कि मूवी काफ़ी ज़्यादा वीक पॉइंट्स अक्सर जगहों पर हो जाती है। दोस्तों इस फिल्म को आप देखना चाहते हैं तो मूवी के डिजिटल राइट्स आपको नेटफ्लिक्स
पर देखने को मिल जाएंगे। यानी कि इस फिल्म को जब कभी भी रिलीज किया जाएगा तो फिल्म को आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं, और मोबाइल को आप सिर्फ नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर और प्लेटफॉर्म पर, नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। और मूवी को आप टीवी पर देखना चाहें तो मूवी के टीवी के राइट्स खरीदे गए थे सन टीवी के द्वारा। आप इस फिल्म को वहाँ पर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इसके डिजिटल राइट्स को नेटफ्लिक्स पर बेचे गए थे, मूवी आप अच्छी तरीके से वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पट्टथु अरासन फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। YouTube पर आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोज मिल जाएंगे इस फिल्म के नाम से, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह फिल्म को आप कहाँ पर देख सकते हैं और यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिल सकती है बिल्कुल अच्छे तरीके से। दोस्तों, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, मूवी की कास्ट और फिल्म की पूरी स्टोरी को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। पट्टथु अरासन इस मूवी का नाम रखा गया है। इस फिल्म को अनुवाद करें हिंदी में तो इस मूवी का नाम रॉयल किंग के नाम से रखा गया है। फिल्म 2022 में तमिल भाषा में रिलीज होती है, और इस फिल्म को एक स्पोर्ट और एक्शन ड्रामा फिल्म की श्रेणी में रखा जाता है। फिल्म को ए सुकुमारन के द्वारा लिखा गया है, और फिल्म को एक स्पोर्ट एक्शन ड्रामा फिल्म माना जाता है। मूवी को निर्देशित भी उन्हीं के द्वारा किया गया है, सर कोमन के द्वारा। फिल्म लाइका प्रोडक्शन और अली राजा सुभाषकरण के द्वारा निर्मित करी गई है, और इसमें अर्थव राज किरण, आशिका रंगाथन और राधिका शरत कुमार मुख्य भूमिका में इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। मूवी का प्लॉट, एक थिरुवायु के पास एक हरे रंग की टोपी वाले पान के खेतों की पृष्ठभूमि के खिलाफ दिखाई जाती है। फिल्म में एक संगीत घीबरन द्वारा रचित हैं, और जबकि लोगनाथन श्रीनिवासन के छायांकन और संपादन उनके द्वारा किया गया है। राजा मोहम्मद यह फिल्म में हमें देखने को मिलते हैं, और यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज करी गई थी। इसे आलोचकों के द्वारा सकारात्मक समीक्षा मिली थी, यानी कि यह फिल्म एक पॉजिटिव रिव्यू के साथ खड़ी हुई थी। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म को अच्छे तरीके से प्रेजेंट इस फिल्म में किया गया था। इस फिल्म के डिजिटल उत्पादन कंपनी लाइका प्रोडक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉपुलर कंपनी है, उन्हीं के द्वारा लिए गए थे। फिल्म का निर्देशन ए सर कुनम के द्वारा किया गया है, और फिल्म को उन्होंने ही लिखा भी है। मूवी के निर्माता अली राजा सुभाषकरण के द्वारा फिल्म को निर्मित किया गया है, और मूवी का अभिनेता हमें अर्थव राज किरण और आशिका रंगनाथ देखने को मिलते हैं। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, और मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन किरदारों के साथ निभाते हुए हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। मूवी की खास बात यह है कि फिल्म एक बेहतरीन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म एक अच्छे तरीके से तैयार भी किया जाता है। फिल्म का छायांकन लोकनाथ श्रीनिवासन के द्वारा दिया गया है, और यह फिल्म का संपादित किया गया है राजा मोहम्मद के द्वारा। मूवी में म्यूजिक दिया गया है घीबरान के किरदार में, और इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी लाइका प्रोडक्शन रही थी। फिल्म रिलीज करी गई थी 25 नवंबर 2022 को, यानी कि मूवी हाल ही फिलहाल में रिलीज हुई है। फिल्म की रनिंग टाइम 137 मिनट के आसपास है, और फिल्म भारत में रिलीज किया गया है, ऑफिशियल तमिल भाषा में रिलीज किया गया है। मूवी पोथारी के एक पूर्व कबड्डी खिलाड़ी दिखाई जाती है, जो कि व्यापक रूप से महानतम खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उनकी दो पत्नियां होती हैं, और परिवार खुशी खुशी चल रहा होता है, भले ही किसी एक पत्नी के साथ कई वारिस हों और दूसरे के साथ सिर्फ एक, संपत्ति को कानून के अनुसार समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए, ऐसी इस फिल्म है कहानी को बतलाया जाता है। फिल्म अर्थव चिन्ना दुराई के रूप में इस फिल्म में दिखाया जाता है, और मूवी पोथा थारी का किरदार राज किरण के द्वारा निभाई जाती है। मूवी पवित्रा के रूप में अंशिका रंगनाथ और राधिका शरत कुमार विजया की भूमिका में हमें देखने को मिलती हैं। वहीं इस फिल्म में जयप्रकाश ने भी अपनी एक अच्छी क्रिया दी थी इस फिल्म को, और
दुरई सुधाकर साची मुथु की भूमिका में देखने को मिलती हैं। आर के सुरेश कन्यान की भूमिका में देखते हैं और वहीं सिंगम पुली रविंद्र रवि काले की भूमिका में हमें इस फिल्म में दिखाया जाता है। शत्रु का किरदार भी इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है और राज अयप्पा, बाला शरवणन और जी एम कुमार की एक बेहतर भूमिका इस फिल्म में हमें देखने को मिलती हैं। फिल्म का अस्थायी रूप से शीर्षक अर्थव 2018 था तथा 10 नवंबर 2022 को फिल्म का शीर्षक पट्टाथु आरासन घोषित किया गया था। इसमें लाइका प्रोडक्शन ने फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया था और चंदन की अभिनेत्री आंशिका रंगनाथ ने इस फिल्म को पहला महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए अनुबंधित भी किया था। मूवी की मुख्य शूटिंग तंजावुर के पास पान के पत्ते के बगान में की गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लगती है। फिल्म की सॉन्ग की बात करें साउंड अट्रैक्ट एल्बम की, तो घीब रान के द्वारा दिया गया था और सभी गाने को 2022 में रिलीज करी थी और रिकॉर्ड भी उन्हीं के टाइम में किया गया था। फिल्म की शैली की बात करें, मूवी बहुत ही बेहतर है और गाने की शैली फीचर फिल्म साउंड अट्रैक्ट की शैली में रखा गया है। सॉन्ग की लेंथ 21 मिनट के आसपास है, यानी कि इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा गाने को इंक्लूड भी किए गए थे। भाषा तमिल भाषा में रिलीज़ किया गया था सभी गाने को और लेबल थिंक म्यूजिक इंडिया की लेबल दी गई थी। कुगल कुटप्पा और पुराथु आसन ट्रिगर जैसी फिल्मों में इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑडियो दी है। फिल्म का म्यूजिक घीबरन के द्वारा रचित किए गए हैं, जो कि ट्रिगर के बाद अर्थव के साथ उसका दूसरा सहयोग है और वागई शुदा वा और नैदी के बाद सरकुनम का यह तीसरा सहयोग दिखाया जाता है। पहला एकल शीर्षक यारो यारो ईवा 18 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। फिल्म में हमें 6 गाने को इंक्लूड करते हुए दिखाई दिए थे और सभी गाने की टोटल लेंथ 21 मिनट के आसपास रही थी और फिल्म को गाने को भी काफ़ी ज़्यादा अपीयरेंस मिला था। फिल्म के गाने लगभग 3 से 4 मिनट के आसपास रहती है और गाने यारो यारो ईवा सॉन्ग को बोल मनी अमु धवन के द्वारा दिया गया था और इस सॉन्ग के गायक यानिज नजीर रहे थे। सिंगर्स इस फिल्म में केजी रंजीत, वंदना श्रीनिवासन, गोल्ड देवराज, अरविंद श्रीनिवास और शरत संतोष के साथ साथ सेनबाज और विंगेश सत्यप्रकाश, ए सरख मूर्ति और अनुदीप देव जैसे बेहतर किरदारों ने दी थी। यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज करी गई थी और फिल्म का ट्रेलर 18 नवंबर को रिलीज किया गया था, नवंबर दिसंबर को, और बहुत ही जल्द इस फिल्म के ट्रेलर के साथ साथ मूवी की कहानी भी रिवील कर दी गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। फिल्म की बात करें होम मीडिया की, तो फिल्म को फर्स्ट पोस्ट और थियोरेटिकल स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स के द्वारा बेचे गए थे और सभी ने एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हुए फिल्म का राइट्स को एक बेहतर रिस्पॉन्स में माना था। फिल्म में एक बहुत ही बेहतरीन बात यह भी है कि फिल्म की एक स्ट्रीमिंग के साथ साथ फिल्म के राइट्स को भी खरीदा गया था और मूवी अच्छे योग्य मूल्यों के साथ इसे सौदा किया गया हो। फिल्म का सेटेलाइट राइट्स सन टीवी को बेचे गए थे और फिल्म के स्वागत समारोह की बात करें फिल्म के रिव्यूज के बारे में, तो मूवी ने अच्छी खासी रिव्यूज और पॉजिटिव रिव्यूज के साथ साथ एक अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया था। आइए बात करते हैं फिल्म के रिव्यूज के बारे में। द टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्रन ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और कहा, कुल मिलाकर सरकुनम का एक पट्टाथु आरासन के लिए कुछ काम कर सकता है, लेकिन काश यह शैली आविष्कारशील विचार से लाता। और एबीपी लाइव की युवश्री ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और कहा, अगर केवल कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले भावुक दृश्यों को काट दिया होता तो और लड़ाई के दृश्यों को शामिल किया होता तो टाइटैनिक राजा वास्तव में बैंड वॉन को हिला देता था और हिला सकता था।
सिनेमा एक्सप्रेस के चांदनी आर ने फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग देते हुए कहा, ग्रामीण नाटकों के सभी न खत्म होने वाले बैराज के बावजूद भी यह एक अच्छी शैली है और अभी तक काम करती है, क्योंकि इसके परिवेश के लिए यह बनाई गई थी और फिल्म का सही प्रदर्शन कर सकती है और जड़ता और खिंचाव के साथ रखा जाता है। दीना मल्लार ने फिल्म को 5 में से 2.25 की रेटिंग दी और कहा, फिल्म कैंपेनियन की श्रुति गणपति राम ने लिखा था, जबकि फिल्म में एकमात्र प्रमुख महिला पात्र का नाम स्थापित करती है तो रन टाइम 90 मिनट के बाद दिखाया जाता है। सांकेतिक वाद और अपना खूबसूरत सिर उठता है और इसकी निष्ठा स्पष्ट हो जाती है। मूवी क्रो के अश्विन राम ने फिल्म की रेटिंग 5 में से 2 दी और लिखा कि पागल के दिलचस्प संघर्ष और पटकथा के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसे दशकों से पहले किया जाना चाहिए था और वह एक भावनात्मक नाटक जिसमें कोई तनाव या जड़ का कारक नहीं है। सिनेमा विघटन आलोचक ने लिखा है कि यह एक परिचित गांव की कहानी को लेते हुए पट्टथु आरासन की टीम ने ऐसे दृश्यों के साथ एक उबाऊ फिल्म बनाई है जो कि नहीं है, और फिल्म एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म की कहानी को आगे भी बढ़ाती है। फिल्म की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। मूवी में एक सॉन्ग को भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया गया था और फिल्म का एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। मूवी कई सारे सीन पर ऐसे हमारे सोच पर खरी उतरती है और फिल्म की कहानी एक अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। खासकर इस फिल्म में किरदारों के बारे में बात करें, मूवी के लीड एक्टर और एक्ट्रेस ने एक अच्छी भूमिका दी थी और उनकी कैरेक्टर ने अपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए इस फिल्म की स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस भी किया गया था। मूवी की बात करें फिल्म के दिलचस्पिंग पॉइंट्स के बारे में, तो फिल्म को खासकर इसके कैरेक्टर के लिए और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करने के लिए फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेहतर टाइम लेते हुए फिल्म को एक अच्छी रन टाइम और अच्छे स्टोरी के साथ बिल्डअप किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था। मूवी में बात करें इस फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो फिल्म एक अच्छी फ्लो में चलती है और फिल्म में देखते टाइम कहीं भी बोरियत का अनुभव नहीं होता है। फिल्म में कई सारे ऐसे सीन्स भी देखे जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हैं, लेकिन आप इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें फिल्म की स्टोरी के बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ अलग रखे गए हैं ताकि मूवी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काबिले तारीफ बनाया जा सके। फिल्म की आइए बात करते हैं मूवी के बारे में, तो फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी जाती है और फिल्म को अच्छा खासा भी कहा जाता है। फिल्म को खासकर पब्लिक के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन क्रिटिक्स के द्वारा इस फिल्म को ठीक ठाक किसी तरह से रिस्पॉन्स मिले थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। फिल्म का एक संगीत ऐसा है, मूवी में म्यूजिक को काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया गया था, फिल्म में म्यूजिक का रोल प्ले काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया गया था, तो उम्मीद करते हैं कि फिल्म का रोल प्ले हमें बाहर भी देखने को मिलेगा और फिल्म में एक अच्छा फ्लो हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी की बात करें इस फिल्म में फ्लो की, तो मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है और फिल्म को एक फ्लो के रूप में हमें इन्हीं की भूमिका निभाई जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होती है। फिल्म के कई सारे पार्ट्स और फिल्म के पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा गूज बम्स आ जाएंगे और फिल्म में एक अच्छी स्टोरी के साथ साथ फिल्म की एक बेहतर एंडिंग भी दिखाई गई है, तो इस वजह से फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट्स भी बनकर हमारे सामने उभरता है और मूवी हमारे सामने आती है। फिल्म की खास बात यह है कि मूवी हमें कहीं भी बोर नहीं होने देती है और फिल्म का एक अच्छा फ्लो हमें ले चलता है अपने मनोरंजन की ओर। फिल्म में कई सारे पॉइंट्स पर ऐसे भी दिखाए गए हैं जो कि मूवी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और फिल्म एक हमारे सामने एक अच्छी फ्लो में एक अच्छा किरदार देखने को मिलती है। मूवी में बेहद ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प किरदारों के साथ देखने को मिलता है।
फिल्म का कई सारे पॉइंट्स में ऐसे भी देखे जाते हैं कि मूवी कुछ हद तक सही कर पाती है, लेकिन इस फिल्म में ऐसा देखा गया है कि मूवी एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म को आगे बढ़ाती है और फिल्म की कहानी को चलाती है। फिल्म में एक पट्टाथू आरासन मूवी की बात करें तो मूवी में फिल्म का किरदार ने और फिल्म के खासकर महिला प्रधान भूमिका ने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म को अच्छे तरीके से बिल्डअप भी किया था और फिल्म में एक बेहतरीन किरदारों को लाया गया था। मूवी को स्पोर्ट ड्रामा फिल्म मानी जाती है और फिल्म एक अच्छी खासी एक्शन सीन्स भी इस मूवी में देखने को मिलता है। मूवी का निर्देशक ए सुरकुमारन ने अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फिल्म की निभाई थी और फिल्म में पत्नी के साथ कई वारिस हो ऐसे कॉन्सेप्ट को भी एक अजूबा कॉन्सेप्ट हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अलग भी लग सकती है। फिल्म की ऐसी पॉइंट्स भी हमें ध्यान देती है जो कि मूवी काफ़ी ज़्यादा वीक पॉइंट्स अक्सर जगहों पर हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म को आप देखना चाहते हैं तो मूवी के डिजिटल राइट्स आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इस फिल्म को जब कभी भी रिलीज किया जाएगा तो फिल्म को आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं और मोबाइल को आप सिर्फ नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर और प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। और मूवी को आप टीवी पर देखना चाहें तो मूवी के टीवी के राइट्स खरीदे गए थे सन टीवी के द्वारा, आप इस फिल्म को वहाँ पर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इसके डिजिटल राइट्स को नेटफ्लिक्स पर बेचे गए थे, मूवी आप अच्छी तरीके से वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पट्टाथू आरासन फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यूट्यूब पर आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगे इस फिल्म के नाम से, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह फिल्म को आप कहाँ पर देख सकते हैं और यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिल सकती है बिल्कुल अच्छे तरीके से। दोस्तों, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, मूवी की कास्ट और फिल्म की पूरी स्टोरी को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। पट्टाथू आरासन इस मूवी का नाम रखा गया है। इस फिल्म को अनुवाद करें हिंदी में तो इस मूवी का नाम रॉयल किंग के नाम से रखा गया है। फिल्म 2022 में तमिल भाषा में रिलीज होती है और इस फिल्म को एक स्पोर्ट और एक्शन ड्रामा फिल्म की श्रेणी में रखा जाता है। फिल्म को ए सुकुमारन के द्वारा लिखा गया है और फिल्म को एक स्पोर्ट एक्शन ड्रामा फिल्म माना जाता है। मूवी को निर्देशित भी उन्हीं के द्वारा किया गया है, सुरकुमारन के द्वारा। फिल्म लाइका प्रोडक्शन और अली राजा सुभाषकरण के द्वारा निर्मित करी गई है और इसमें अर्थव राजकिरण, आशिका रंगाथन और राधिका शरत कुमार मुख्य भूमिका में इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। मूवी का प्लॉट, एक थिरुवायु के पास एक हरे रंग की टोपी वाले पान के खेतों की पृष्ठभूमि के खिलाफ दिखाई जाती है। फिल्म में एक संगीत घीबरन द्वारा रचित हैं और जबकि लोगनाथन श्रीनिवासन के छायांकन और संपादन उनके द्वारा किया गया है। राजा मोहम्मद यह फिल्म में हमें देखने को मिलते हैं और यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज करी गई थी। इसे आलोचकों के द्वारा सकारात्मक समीक्षा मिली थी, यानी कि यह फिल्म एक पॉजिटिव रिव्यूज के साथ खड़ी हुई थी। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म को अच्छे तरीके से प्रेजेंट इस फिल्म में किया गया था। इस फिल्म के डिजिटल उत्पादन कंपनी लाइका प्रोडक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉपुलर कंपनी है, उन्हीं के द्वारा लिए गए थे। फिल्म का निर्देशन ए सुरकुमारन के द्वारा किया गया है और फिल्म को उन्होंने ही लिखा भी है। मूवी के निर्माता अली राजा सुभाषकरण के द्वारा फिल्म को निर्मित किया गया है और मूवी का अभिनेता हमें अर्थव राजकिरण और आशिका रंगनाथ देखने को मिलते हैं। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है और मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन किरदारों के साथ निभाते हुए हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। मूवी की खास बात यह है कि फिल्म एक बेहतरीन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म एक अच्छे तरीके से तैयार भी किया जाता है। फिल्म का छायांकन लोकनाथ श्रीनिवासन के द्वारा दिया गया है और यह फिल्म का संपादित किया गया है राजा मोहम्मद के द्वारा। मूवी में म्यूजिक दिया गया है घीबरन के किरदार में और इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी लाइका प्रोडक्शन रही थी।
फिल्म रिलीज की गई थी 25 नवंबर 2022 को। इनकी मूवी हाल ही फिलहाल में रिलीज हुई है। फिल्म की रनिंग टाइम 137 मिनट के आसपास है और फिल्म भारत में रिलीज किया गया है, ऑफिशियल तमिल भाषा में रिलीज किया गया है। मूवी पोथारी के एक पूर्व कबड्डी खिलाड़ी दिखाई जाती है जो कि व्यापक रूप से महानतम खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उनकी दो पत्नियां होती हैं और परिवार खुशी खुशी चल रहा होता है, भले ही किसी एक पत्नी के साथ कई वारिस हों और दूसरे के साथ सिर्फ एक। संपत्ति को कानून के अनुसार समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए, ऐसी इस फिल्म है कहानी को बतलाया जाता है। फिल्म अर्थव चिन्ना दुराई के रूप में इस फिल्म में दिखाया जाता है और मूवी पोथा थारी का किरदार राज किरण के द्वारा निभाई जाती है। मूवी पवित्रा के रूप में अंशिका रंगनाथ और राधिका शरत कुमार विजया की भूमिका में हमें देखने को मिलती हैं। वहीं इस फिल्म में जयप्रकाश ने भी अपनी एक अच्छी क्रिया दी थी इस फिल्म को और दुरई सुधाकर साची मुथु की भूमिका में देखने को मिलती हैं। आर के सुरेश कन्यान की भूमिका में देखते हैं और वहीं सिंगम पुली रविंद्र रवि काले की भूमिका में हमें इस फिल्म में दिखाया जाता है। शत्रु का किरदार भी इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है और राज अयप्पा बाला शरवणन और जी एम कुमार की एक बेहतर भूमिका इस फिल्म में हमें देखने को मिलती हैं। फिल्म का अस्थायी रूप से शीर्षक अर्थव 2018 था तथा 10 नवंबर 2022 को फिल्म का शीर्षक पट्टाथु आरासन घोषित किया गया था। इसमें लाइका प्रोडक्शन ने फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया था और चंदन की अभिनेत्री अंशिका रंगनाथ ने इस फिल्म को पहला महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए अनुबंधित भी किया था। मूवी की मुख्य शूटिंग तंजावुर के पास पान के पत्ते के बगान में की गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लगती है। फिल्म की सॉन्ग की बात करें साउंड अट्रैक्ट एल्बम की, तो घीब रान के द्वारा दिया गया था और सभी गाने को 2022 में रिलीज करी थी और रिकॉर्ड भी उन्हीं के टाइम में किया गया था। फिल्म की शैली की बात करें, मूवी बहुत ही बेहतर है और गाने की शैली फीचर फिल्म साउंड अट्रैक्ट की शैली में रखा गया है। सॉन्ग की लेंथ 21 मिनट के आसपास है, यानी कि इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा गाने को इंक्लूड भी किए गए थे। भाषा तमिल भाषा में रिलीज किया गया था सभी गाने को और लेबल थिंक म्यूजिक इंडिया की लेबल दी गई थी। कुगल कुटप्पा और पुराथु आसन ट्रिगर जैसी फिल्मों में इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑडियो दी है। फिल्म का म्यूजिक घिबरन के द्वारा रचित किए गए हैं, जो कि ट्रिगर के बाद अर्थव के साथ उसका दूसरा सहयोग है और वागई शुदा वा और नैदी के बाद सर कुनम का यह तीसरा सहयोग दिखाया जाता है। पहला एकल शीर्षक यारो यारो ईवा 18 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। फिल्म में हमें 6 गाने को इंक्लूड करते हुए दिखाई दिए थे और सभी गाने की टोटल लेंथ 21 मिनट के आसपास रही थी और फिल्म को गाने को भी काफ़ी ज़्यादा अपीयरेंस मिला था। फिल्म के गाने लगभग 3 से 4 मिनट के आसपास रहती है और गाने यारो यारो ईवा सॉन्ग को बोल मणि अमु धवन के द्वारा दिया गया था और इस सॉन्ग के गायक यानिज नजीर रहे थे। सिंगर्स इस फिल्म में केजी रंजीत, वंदना श्रीनिवासन, गोल्ड देवराज, अरविंद श्रीनिवास और शरत संतोष के साथ साथ सेनबाज और विंगेश सत्यप्रकाश, ए सरख मूर्ति और अनुदीप देव जैसे बेहतर किरदारों ने दी थी। यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज करी गई थी और फिल्म का ट्रेलर 18 नवंबर को रिलीज किया गया था, नवंबर दिसंबर को, और बहुत ही जल्द इस फिल्म के ट्रेलर के साथ साथ मूवी की कहानी भी रिवील कर दी गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। फिल्म की बात करें होम मीडिया की, तो फिल्म को फर्स्ट पोस्ट और थियोरेटिकल स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स के द्वारा बेचे गए थे और सभी ने एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हुए फिल्म का राइट्स को एक बेहतर रिस्पॉन्स में माना था।
फिल्म में एक बहुत ही बेहतरीन बात यह भी है कि फिल्म की एक स्ट्रीमिंग के साथ साथ फिल्म के राइट्स को भी खरीदा गया था और मूवी अच्छे योग्य मूल्यों के साथ इसे सौदा किया गया हो। फिल्म का सेटेलाइट राइट सन टीवी को बेचे गए थे। और फिल्म के स्वागत समारोह की बात करें, फिल्म के रिव्यूज के बारे में, तो मूवी ने अच्छी खासी रिव्यूज और पॉजिटिव रिव्यूज के साथ साथ एक अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया था। आइए बात करते हैं फिल्म के रिव्यूज के बारे में। द टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्रन ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और कहा, कुल मिलाकर शेर कुमन का एक पट्टथू आराशन के लिए कुछ काम कर सकता है, लेकिन काश यह शैली आविष्कारशील विचार से लाता। और एबीपी लाइव की यू स्त्री ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और कहा, अगर केवल कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले भावुक दृश्यों को काट दिया होता तो और लड़ाई के दृश्यों को शामिल किया होता तो टाइटैनिक राजा वास्तव में बैंड वॉन को हिला देता था और हिला सकता था। सिनेमा एक्सप्रेस के चांदनी आर ने फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग देते हुए कहा, ग्रामीण नाटकों के सभी न खत्म होने वाले बैराज के बावजूद भी यह एक अच्छी शैली है और अभी तक काम करती है, क्योंकि इसके परिवेश के लिए यह बनाई गई थी और फिल्म का सही प्रदर्शन कर सकती है और जड़ता और खिंचाव के साथ रखा जाता है। दीना मल्लार ने फिल्म को 5 में से 2.25 की रेटिंग दी और कहा, फिल्म कैंपेनियन की श्रुति गणपति राम ने लिखा था, जबकि फिल्म में एकमात्र प्रमुख महिला पात्र का नाम स्थापित करती है तो रन टाइम 90 मिनट के बाद दिखाया जाता है। सांकेतिकवाद और अपना खूबसूरत सिर उठता है और इसकी निष्ठा स्पष्ट हो जाती है। मूवी क्रो के अश्विन राम ने फिल्म की रेटिंग 5 में से 2 दी और लिखा कि पागल के दिलचस्प संघर्ष और पटकथा के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसे दशकों से पहले किया जाना चाहिए था और वह एक भावनात्मक नाटक जिसमें कोई तनाव या जड़ का कारक नहीं है। सिनेमा विघटन आलोचक ने लिखा है कि यह एक परिचित गांव की कहानी को लेते हुए पट्टथू आरासन की टीम ने ऐसे दृश्यों के साथ एक उबाऊ फिल्म बनाई है जो कि नहीं है, और फिल्म एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म की कहानी को आगे भी बढ़ाती है। फिल्म की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। मूवी में एक सॉन्ग को भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया गया था और फिल्म का एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। मूवी कई सारे सीन्स पर ऐसे हमारे सोच पर खरी उतरती है और फिल्म की कहानी एक अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। खासकर इस फिल्म में किरदारों के बारे में बात करें, मूवी के लीड एक्टर और एक्ट्रेस ने एक अच्छी भूमिका दी थी और उनकी कैरेक्टर ने अपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए इस फिल्म की स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस भी किया गया था। मूवी की बात करें फिल्म के दिलचस्पिंग पॉइंट्स के बारे में, तो फिल्म को खासकर इसके कैरेक्टर के लिए और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करने के लिए फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेहतर टाइम लेते हुए फिल्म को एक अच्छी रन टाइम और अच्छे स्टोरी के साथ बिल्डअप किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था। मूवी में बात करें इस फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो फिल्म एक अच्छी फ्लो में चलती है और फिल्म में देखते टाइम कहीं भी बोरियत का अनुभव नहीं होता है। फिल्म में कई सारे ऐसे सीन्स भी देखे जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हैं, लेकिन आप इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें फिल्म की स्टोरी के बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ अलग रखे गए हैं ताकि मूवी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काबिले तारीफ बनाया जा सके। फिल्म की आइए बात करते हैं मूवी के बारे में, तो फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी जाती है और फिल्म को अच्छा खासा भी कहा जाता है। फिल्म को खासकर पब्लिक के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन क्रिटिक्स के द्वारा इस फिल्म को ठीक ठाक किसी तरह से रिस्पॉन्स मिले थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। फिल्म का एक संगीत ऐसा है, मूवी में म्यूजिक को काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया गया था, फिल्म में म्यूजिक का रोल प्ले काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया गया था, तो उम्मीद करते हैं कि फिल्म का रोल प्ले हमें बाहर भी देखने को मिलेगा और फिल्म में एक अच्छा फ्लो हमें इस मूवी में देखने को मिलता है।
दोस्तों मूवी की बात करें, इस फिल्म में फ्लो की तो मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है और फिल्म को एक फ्लो के रूप में हमें इन्हीं की भूमिका निभाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होती है। फिल्म के कई सारे पार्ट्स और फिल्म के पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा गूज बम्प्स आ जाएंगे और फिल्म में एक अच्छी स्टोरी के साथ साथ फिल्म की एक बेहतर एंडिंग भी दिखाई गई है, तो इस वजह से फिल्म एक फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट भी बनकर हमारे सामने उभरता है और मूवी हमारे सामने आती है। फिल्म की खास बात यह है कि मूवी हमें कहीं भी बोर नहीं होने देती है और फिल्म का एक अच्छा फ्लो हमें ले चलता है अपने मनोरंजन की ओर। फिल्म में कई सारे पॉइंट्स पर ऐसे भी दिखाए गए हैं जो कि मूवी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और फिल्म एक हमारे सामने एक अच्छी फ्लो में एक अच्छा किरदार देखने को मिलती है। मूवी में बेहद ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प किरदारों के साथ देखने को मिलता है। फिल्म का कई सारे पॉइंट्स में ऐसे भी देखे जाते हैं कि मूवी कुछ हद तक सही कर पाती है, लेकिन इस फिल्म में ऐसा देखा गया है कि मूवी एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म को आगे बढ़ाती है और फिल्म की कहानी को चलाती है। फिल्म में एक पट्टाथु आरासन मूवी की बात करें तो मूवी में फिल्म का किरदार ने और फिल्म के खासकर महिला प्रधान भूमिका ने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म को अच्छे तरीके से बिल्डअप भी किया था और फिल्म में एक बेहतरीन किरदारों को लाया गया था। मूवी को स्पोर्ट ड्रामा फिल्म मानी जाती है और फिल्म एक अच्छी खासी एक्शन सीन्स भी इस मूवी में देखने को मिलता है। मूवी का निर्देशक ए सुरकुमारन ने अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फिल्म की निभाई थी और फिल्म में पत्नी के साथ कई वारिस हो ऐसे कॉन्सेप्ट को भी एक अजूबा कॉन्सेप्ट हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अलग भी लग सकती है। फिल्म की ऐसी पॉइंट्स भी हमें ध्यान देती है जो कि मूवी काफ़ी ज़्यादा वीक पॉइंट्स अक्सर जगहों पर हो जाती है। दोस्तों इस फिल्म को आप देखना चाहते हैं तो मूवी के डिजिटल राइट्स आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इस फिल्म को जब कभी भी रिलीज किया जाएगा तो फिल्म को आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं और मोबाइल को आप सिर्फ नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर और प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं और मूवी को आप टीवी पर देखना चाहें तो मूवी के टीवी के राइट्स खरीदे गए थे सन टीवी के द्वारा, आप इस फिल्म को वहाँ पर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इसके डिजिटल राइट्स को नेटफ्लिक्स पर बेचे गए थे, मूवी आप अच्छी तरीके से वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप पट्टाथु आरासन फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। YouTube पर आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगे इस फिल्म के नाम से, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह फिल्म को आप कहाँ पर देख सकते हैं और यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिल सकती है बिल्कुल अच्छे तरीके से। दोस्तों इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, मूवी की कास्ट और फिल्म की पूरी स्टोरी को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। पट्टाथु आरासन इस मूवी का नाम रखा गया है। इस फिल्म को अनुवाद करें हिंदी में तो इस मूवी का नाम रॉयल किंग के नाम से रखा गया है। फिल्म 2022 में तमिल भाषा में रिलीज होती है और इस फिल्म को एक स्पोर्ट और एक्शन ड्रामा फिल्म की श्रेणी में रखा जाता है। फिल्म को ए सुकुमारन के द्वारा लिखा गया है और फिल्म को एक स्पोर्ट एक्शन ड्रामा फिल्म माना जाता है। मूवी को निर्देशित भी उन्हीं के द्वारा किया गया है, सुरकुमारन के द्वारा। फिल्म लाइका प्रोडक्शन और अली राजा सुभाषकरण के द्वारा निर्मित करी गई है और इसमें अर्थव राजकिरण, आशिका रंगाथन और राधिका शरत कुमार मुख्य भूमिका में इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। मूवी का प्लॉट एक थिरुवायु के पास एक हरे रंग की टोपी वाले पान के खेतों की पृष्ठभूमि के खिलाफ दिखाई जाती है। फिल्म में एक संगीत घीबरन द्वारा रचित हैं और जबकि लोगनाथन श्रीनिवासन के छायांकन और संपादन उनके द्वारा किया गया है। राजा मोहम्मद यह फिल्म में हमें देखने को मिलते हैं और यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज करी गई थी। इसे आलोचकों के द्वारा सकारात्मक समीक्षा मिली थी, यानी कि यह फिल्म एक पॉजिटिव रिव्यूज के साथ खड़ी हुई थी।
फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म को अच्छे तरीके से प्रेजेंट इस फिल्म में किया गया था। इस फिल्म के डिजिटल उत्पादन कंपनी लाइका प्रोडक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉपुलर कंपनी है, उन्हीं के द्वारा लिए गए थे। फिल्म का निर्देशन ए सर कूनम के द्वारा किया गया है और फिल्म को उन्होंने ही लिखा भी है। मूवी के निर्माता अली राजा सुभाषकरण के द्वारा फिल्म को निर्मित किया गया है और मूवी का अभिनेता हमें अर्थव राजकिरण और आशिका रंगनाथ देखने को मिलते हैं। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है और मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन किरदारों के साथ निभाते हुए हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। मूवी की खास बात यह है कि फिल्म एक बेहतरीन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म एक अच्छे तरीके से तैयार भी किया जाता है। फिल्म का छायांकन लोकनाथ श्रीनिवासन के द्वारा दिया गया है और यह फिल्म का संपादित किया गया है राजा मोहम्मद के द्वारा। मूवी में म्यूजिक दिया गया है घीबरान के किरदार में और इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी लाइका प्रोडक्शन रही थी। फिल्म रिलीज करी गई थी 25 नवंबर 2022 को। इनकी मूवी हाल ही फिलहाल में रिलीज हुई है। फिल्म की रनिंग टाइम 137 मिनट के आसपास है और फिल्म भारत में रिलीज किया गया है, ऑफिशियल तमिल भाषा में रिलीज किया गया है। मूवी पोथारी के एक पूर्व कबड्डी खिलाड़ी दिखाई जाती है जो कि व्यापक रूप से महानतम खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उनकी दो पत्नियां होती हैं और परिवार खुशी खुशी चल रहा होता है, भले ही किसी एक पत्नी के साथ कई वारिश हों और दूसरे के साथ सिर्फ एक। संपत्ति को कानून के अनुसार समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए, ऐसी इस फिल्म है कहानी को बतलाया जाता है। फिल्म अर्थव चिन्ना दुराई के रूप में इस फिल्म में दिखाया जाता है और मूवी पोथा थारी का किरदार राज किरण के द्वारा निभाई जाती है। मूवी पवित्रा के रूप में अंशिका रंगनाथ और राधिका शरत कुमार विजया की भूमिका में हमें देखने को मिलती हैं। वहीं इस फिल्म में जयप्रकाश ने भी अपनी एक अच्छी क्रिया दी थी इस फिल्म को और दुरई सुधाकर साची मुथु की भूमिका में देखने को मिलती हैं। आर के सुरेश कन्यान की भूमिका में देखते हैं और वहीं सिंगम पुली रविंद्र रवि काले की भूमिका में हमें इस फिल्म में दिखाया जाता है। शत्रु का किरदार भी इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है और राज अयप्पा बाला शरवणन और जी एम कुमार की एक बेहतर भूमिका इस फिल्म में हमें देखने को मिलती हैं। फिल्म का अस्थायी रूप से शीर्षक अर्थव 2018 था तथा 10 नवंबर 2022 को फिल्म का शीर्षक पट्टाथु आरासन घोषित किया गया था। इसमें लाइका प्रोडक्शन ने फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया था और चंदन की अभिनेत्री आंशिका रंगनाथ ने इस फिल्म को पहला महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए अनुबंधित भी किया था। मूवी की मुख्य शूटिंग तंजावुर के पास पान के पत्ते के बगान में की गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लगती है। फिल्म की सॉन्ग की बात करें साउंड अट्रैक्ट एल्बम की तो घीबरान के द्वारा दिया गया था और सभी गाने को 2022 में रिलीज करी थी और रिकॉर्ड भी उन्हीं के टाइम में किया गया था। फिल्म की शैली की बात करें मूवी बहुत ही बेहतर है और गाने की शैली फीचर फिल्म साउंड अट्रैक्ट की शैली में रखा गया है। सॉन्ग की लेंथ 21 मिनट के आसपास है, यानी कि इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा गाने को इंक्लूड भी किए गए थे। भाषा तमिल भाषा में रिलीज किया गया था सभी गाने को और लेबल थिंक म्यूजिक इंडिया की लेबल दी गई थी। कुगल कुटप्पा और पुराथु आसन ट्रिगर जैसी फिल्मों में इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑडियो दी है। फिल्म का म्यूजिक घीबरन के द्वारा रचित किए गए हैं, जो कि ट्रिगर के बाद अर्थव के साथ उसका दूसरा सहयोग है और वागई शुदा वा और नैदी के बाद सर कूनम का यह तीसरा सहयोग दिखाया जाता है। पहला एकल शीर्षक यारो यारो ईवा 18 नवंबर 2022 को जारी किया गया था।
फिल्म में हमें 6 गाने को इंक्लूड करते हुए दिखाई दिए थे और सभी गाने की टोटल लेंथ 21 मिनट के आसपास रही थी और फिल्म को गाने को भी काफ़ी ज़्यादा अपीयरेंस मिला था। फिल्म के गाने लगभग 3 से 4 मिनट के आसपास रहती है और गाने यारो यारो ईवा सॉन्ग को बोल मणि अमु धवन के द्वारा दिया गया था और इस सॉन्ग के गायक यानिज नजीर रहे थे। सिंगर्स इस फिल्म में केजी रंजीत, वंदना श्रीनिवासन, गोल्ड देवराज, अरविंद श्रीनिवास और शरत संतोष के साथ साथ सेनबाज और विंगेश सत्यप्रकाश, ए सरख मूर्ति और अनुदीप देव जैसे बेहतर किरदारों ने दी थी। यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी और फिल्म का ट्रेलर 18 नवंबर को रिलीज किया गया था, नवंबर दिसंबर को, और बहुत ही जल्द इस फिल्म के ट्रेलर के साथ साथ मूवी की कहानी भी रिवील कर दी गई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। फिल्म की बात करें होम मीडिया की तो फिल्म को फर्स्ट पोस्ट और थियोरेटिकल स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स के द्वारा बेचे गए थे और सभी ने एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हुए फिल्म का राइट्स को एक बेहतर रिस्पॉन्स में माना था। फिल्म में एक बहुत ही बेहतरीन बात यह भी है कि फिल्म की एक स्ट्रीमिंग के साथ साथ फिल्म के राइट्स को भी खरीदा गया था और मूवी अच्छे योग्य मूल्यों के साथ इसे सौदा किया गया हो। फिल्म का सेटेलाइट राइट सन टीवी को बेचे गए थे और फिल्म की स्वागत समारोह की बात करें फिल्म के रिव्यूज के बारे में तो मूवी ने अच्छी खासी रिव्यूज और पॉजिटिव रिव्यूज के साथ साथ एक अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया था। आइए बात करते हैं फिल्म के रिव्यूज के बारे में। द टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्रन ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और कहा, कुल मिलाकर शेर कुमन का एक पट्टथू आराशन के लिए कुछ काम कर सकता है लेकिन काश यह शैली आविष्कारशील विचार से लाता। और एबीपी लाइव की यू स्त्री ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और कहा, अगर केवल कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले भावुक दृश्यों को काट दिया होता तो और लड़ाई के दृश्यों को शामिल किया होता तो टाइटैनिक राजा वास्तव में बैंड वॉन को हिला देता था और हिला सकता था। सिनेमा एक्सप्रेस के चांदनी आर ने फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग देते हुए कहा, ग्रामीण नाटकों के सभी न खत्म होने वाले बैराज के बावजूद भी यह एक अच्छी शैली है और अभी तक काम करती है क्योंकि इसके परिवेश के लिए यह बनाई गई थी और फिल्म का सही प्रदर्शन कर सकती है और जड़ता और खिंचाव के साथ रखा जाता है। दीना मल्लार ने फिल्म को 5 में से 2.25 की रेटिंग दी और कहा, फिल्म कैंपेनियन की श्रुति गणपति राम ने लिखा था जबकि फिल्म में एकमात्र प्रमुख महिला पात्र का नाम स्थापित करती है तो रन टाइम 90 मिनट के बाद दिखाया जाता है। सांकेतिक वाद और अपना खूबसूरत सिर उठता है और इसकी निष्ठा स्पष्ट हो जाती है। मूवी क्रो के अश्विन राम ने फिल्म की रेटिंग 5 में से 2 दी और लिखा कि पागल के दिलचस्प संघर्ष और पटकथा के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसे दशकों से पहले किया जाना चाहिए था और वह एक भावनात्मक नाटक जिसमें कोई तनाव या जड़ का कारक नहीं है। सिनेमा विघटन आलोचक ने लिखा है कि यह एक परिचित गांव की कहानी को लेते हुए पट्टथू आरासन की टीम ने ऐसे दृश्यों के साथ एक उबाऊ फिल्म बनाई है जो कि नहीं है और फिल्म एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म की कहानी को आगे भी बढ़ाती है। फिल्म की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। मूवी में एक सॉन्ग को भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया गया था और फिल्म का एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। मूवी कई सारे सीन पर ऐसे हमें हमारे सोच पर खड़ी उतरती है और फिल्म की कहानी एक अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। खासकर इस फिल्म में किरदारों के बारे में बात करें, मूवी के लीड एक्टर और एक्ट्रेस ने एक अच्छी भूमिका दी थी और उनकी कैरेक्टर ने अपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए इस फिल्म की स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस भी किया गया था।
मूवी की बात करें फिल्म के दिलचस्पिंग पॉइंट्स के बारे में, तो फिल्म को खासकर इसके कैरेक्टर के लिए और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करने के लिए फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेहतर टाइम लेते हुए फिल्म को एक अच्छी रन टाइम और अच्छे स्टोरी के साथ बिल्डअप किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था। मूवी में बात करें इस फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो फिल्म एक अच्छी फ्लो में चलती है और फिल्म में देखते टाइम कहीं भी बोरियत का अनुभव नहीं होता है। फिल्म में कई सारे ऐसे सीन्स भी देखे जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हैं, लेकिन आप इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें फिल्म की स्टोरी के बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ अलग रखे गए हैं ताकि मूवी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काबिले तारीफ बनाया जा सके। फिल्म की आइए बात करते हैं मूवी के बारे में, तो फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी जाती है और फिल्म को अच्छा खासा भी कहा जाता है। फिल्म को खासकर पब्लिक के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिस्पांस मिला था, लेकिन क्रिटिक्स के द्वारा इस फिल्म को ठीक ठाक किसी तरह से रिस्पांस मिले थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। फिल्म का एक संगीत ऐसा है, मूवी में म्यूजिक को काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया गया था, फिल्म में म्यूजिक का रोल प्ले काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया गया था, तो उम्मीद करते हैं कि फिल्म का रोल प्ले हमें बाहर भी देखने को मिलेगा और फिल्म में एक अच्छा फ्लो हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी की बात करें इस फिल्म में फ्लो की, तो मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है और फिल्म को एक फ्लो के रूप में हमें इन्हीं की भूमिका निभाई जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होती है। फिल्म के कई सारे पार्ट्स और फिल्म के पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा गूज ब्लम्स आ जाएंगे और फिल्म में एक अच्छी स्टोरी के साथ साथ फिल्म की एक बेहतर एंडिंग भी दिखाई गई है, तो इस वजह से फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट भी बनकर हमारे सामने उभरता है और मूवी हमारे सामने आती है। फिल्म की खास बात यह है कि मूवी हमें कहीं भी बोर नहीं होने देती है और फिल्म का एक अच्छा फ्लो हमें ले चलता है अपने मनोरंजन की ओर। फिल्म में कई सारे पॉइंट्स पर ऐसे भी दिखाए गए हैं जो कि मूवी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और फिल्म एक हमारे सामने एक अच्छी फ्लो में एक अच्छा किरदार देखने को मिलती है। मूवी में बेहद ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प किरदारों के साथ देखने को मिलता है। फिल्म का कई सारे पॉइंट्स में ऐसे भी देखे जाते हैं कि मूवी कुछ हद तक सही कर पाती है, लेकिन इस फिल्म में ऐसा देखा गया है कि मूवी एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म को आगे बढ़ाती है और फिल्म की कहानी को चलाती है। फिल्म में एक पट्टाथू आरासन मूवी की बात करें, तो मूवी में फिल्म का किरदार ने और फिल्म के खासकर महिला प्रधान भूमिका ने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म को अच्छे तरीके से बिल्डअप भी किया था और फिल्म में एक बेहतरीन किरदारों को लाया गया था। मूवी को स्पोर्ट ड्रामा फिल्म मानी जाती है और फिल्म एक अच्छी खासी एक्शन सीन्स भी इस मूवी में देखने को मिलता है। मूवी का निर्देशक सुरकुमारन ने अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फिल्म की निभाई थी और फिल्म में पत्नी के साथ कई वारिस हो ऐसे कॉन्सेप्ट को भी एक अजूबा कॉन्सेप्ट हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अलग भी लग सकती है। फिल्म की ऐसी पॉइंट्स भी हमें ध्यान देती है जो कि मूवी काफ़ी ज़्यादा वीक पॉइंट्स अक्सर जगहों पर हो जाती है। दोस्तों इस फिल्म को आप देखना चाहते हैं तो मूवी के डिजिटल राइट्स आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इस फिल्म को जब कभी भी रिलीज किया जाएगा तो फिल्म को आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं और मोबाइल को आप सिर्फ नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर और प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, और मूवी को आप टीवी पर देखना चाहें तो मूवी के टीवी के राइट्स खरीदे गए थे सन टीवी के द्वारा, आप इस फिल्म को वहाँ पर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इसके डिजिटल राइट्स को नेटफ्लिक्स पर बेचे गए थे, मूवी आप अच्छी तरीके से वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप पट्टाथू आरासन फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। YouTube पर आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोज मिल जाएंगे इस फिल्म के नाम से, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह फिल्म को आप कहाँ पर देख सकते हैं और यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिल सकती है बिल्कुल अच्छे तरीके से। दोस्तों इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, मूवी की कास्ट और फिल्म की पूरी स्टोरी को हम
अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। पट्टथु आराशन इस मूवी का नाम रखा गया है। इस फिल्म को अनुवाद करें हिंदी में तो इस मूवी का नाम रॉयल किंग के नाम से रखा गया है। फिल्म 2022 में तमिल भाषा में रिलीज होती है और इस फिल्म को एक स्पोर्ट और एक्शन ड्रामा फिल्म की श्रेणी में रखा जाता है। फिल्म को ए सुकुमारन के द्वारा लिखा गया है और फिल्म को एक स्पोर्ट एक्शन ड्रामा फिल्म माना जाता है। मूवी को निर्देशित भी उन्हीं के द्वारा किया गया है, सर कोमन के द्वारा। फिल्म लाइका प्रोडक्शन और अली राजा सुभाषकरण के द्वारा निर्मित करी गई है और इसमें अर्थव राजकिरण, आशिका रंगाथन और राधिका शरत कुमार मुख्य भूमिका में इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। मूवी का प्लॉट एक थिरुवायु के पास एक हरे रंग की टोपी वाले पान के खेतों की पृष्ठभूमि के खिलाफ दिखाई जाती है। फिल्म में एक संगीत घीबरन द्वारा रचित है और जबकि लोगनाथन श्रीनिवासन के छायांकन और संपादन उनके द्वारा किया गया है। राजा मोहम्मद यह फिल्म में हमें देखने को मिलते हैं और यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज करी गई थी। इसे आलोचकों के द्वारा सकारात्मक समीक्षा मिली थी, यानी कि यह फिल्म एक पॉजिटिव रिव्यूज के साथ खड़ी हुई थी। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म को अच्छे तरीके से प्रेजेंट इस फिल्म में किया गया था। इस फिल्म के डिजिटल उत्पादन कंपनी लाइका प्रोडक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉपुलर कंपनी है, उन्हीं के द्वारा लिए गए थे। फिल्म का निर्देशन ए सर कुनम के द्वारा किया गया है और फिल्म को उन्होंने ही लिखा भी है। मूवी के निर्माता अली राजा सुभाषकरण के द्वारा फिल्म को निर्मित किया गया है और मूवी का अभिनेता हमें अर्थव राजकिरण और आशिका रंगनाथ देखने को मिलते हैं। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है और मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन किरदारों के साथ निभाते हुए हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। मूवी की खास बात यह है कि फिल्म एक बेहतरीन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म एक अच्छे तरीके से तैयार भी किया जाता है। फिल्म का छायांकन लोकनाथ श्रीनिवासन के द्वारा दिया गया है और यह फिल्म का संपादित किया गया है राजा मोहम्मद के द्वारा। मूवी में म्यूजिक दिया गया है घीबरान के किरदार में और इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी लाइका प्रोडक्शन रही थी। फिल्म रिलीज करी गई थी 25 नवंबर 2022 को, यानी कि मूवी हाल ही फिलहाल में रिलीज हुई है। फिल्म की रनिंग टाइम 137 मिनट के आसपास है और फिल्म भारत में रिलीज किया गया है, ऑफिशियल तमिल भाषा में रिलीज किया गया है। मूवी पोथारी के एक पूर्व कबड्डी खिलाड़ी दिखाई जाती है जो कि व्यापक रूप से महानतम खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उनकी दो पत्नियाँ होती हैं और परिवार खुशी खुशी चल रहा होता है, भले ही किसी एक पत्नी के साथ कई वारिस हों और दूसरे के साथ सिर्फ एक, संपत्ति को कानून के अनुसार समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए, ऐसी इस फिल्म है कहानी को बतलाया जाता है। फिल्म अर्थव चिन्ना दुराई के रूप में इस फिल्म में दिखाया जाता है और मूवी पोथा थारी का किरदार राज किरण के द्वारा निभाई जाती है। मूवी पवित्रा के रूप में अंशिका रंगनाथ और राधिका शरत कुमार विजया की भूमिका में हमें देखने को मिलती हैं। वहीं इस फिल्म में जयप्रकाश ने भी अपनी एक अच्छी क्रिया दी थी इस फिल्म को और दुरई सुधाकर साची मुथु की भूमिका में देखने को मिलती हैं। आर के सुरेश कन्यान की भूमिका में देखते हैं और वहीं सिंगम पुली रविंद्र रवि काले की भूमिका में हमें इस फिल्म में दिखाया जाता है। शत्रु का किरदार भी इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है और राज अयप्पा, बाला शरवणन और जी एम कुमार की एक बेहतर भूमिका इस फिल्म में हमें देखने को मिलती हैं। फिल्म का अस्थायी रूप से शीर्षक अर्थव 2018 था तथा 10 नवंबर 2022 को फिल्म का शीर्षक पट्टथु आराशन घोषित किया गया था। इसमें लाइका प्रोडक्शन ने फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया था और चंदन की अभिनेत्री आंशिका रंगनाथ ने इस फिल्म को पहला महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए अनुबंधित भी किया था। मूवी की मुख्य शूटिंग तंजावुर के पास पान के पत्ते के बगान में की गई थी।
जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लगती है। फिल्म की सॉन्ग की बात करें साउंड अट्रैक्ट एल्बम की, तो घीब रान के द्वारा दिया गया था और सभी गाने को 2022 में रिलीज करी थी और रिकॉर्ड भी उन्हीं के टाइम में किया गया था। फिल्म की शैली की बात करें, मूवी बहुत ही बेहतर है और गाने की शैली फीचर फिल्म साउंड अट्रैक्ट की शैली में रखा गया है। सॉन्ग की लेंथ 21 मिनट के आसपास है, यानी कि इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा गाने को इंक्लूड भी किए गए थे। भाषा तमिल भाषा में रिलीज़ किया गया था सभी गाने को और लेबल थिंक म्यूजिक इंडिया की लेबल दी गई थी। कुगल कुटप्पा और पुराथु आसन ट्रिगर जैसी फिल्मों में इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑडियो दी है। फिल्म का म्यूजिक घीबरन के द्वारा रचित किए गए हैं, जो कि ट्रिगर के बाद अर्थव के साथ उसका दूसरा सहयोग है और वागई शुदा वा और नैदी के बाद सर कुनम का यह तीसरा सहयोग दिखाया जाता है। पहला एकल शीर्षक यारो यारो ईवा 18 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। फिल्म में हमें 6 गाने को इंक्लूड करते हुए दिखाई दिए थे और सभी गाने की टोटल लेंथ 21 मिनट के आसपास रही थी और फिल्म को गाने को भी काफ़ी ज़्यादा अपीयरेंस मिला था। फिल्म के गाने लगभग 3 से 4 मिनट के आसपास रहती है और गाने यारो यारो ईवा सॉन्ग को बोल मनी अमू धवन के द्वारा दिया गया था और इस सॉन्ग के गायक यानीज नजीर रहे थे। सिंगर्स इस फिल्म में केजी रंजीत, वंदना श्रीनिवासन, गोल्ड देवराज, अरविंद श्रीनिवास और शरत संतोष के साथ साथ सेनबाज और विंगेश सत्यप्रकाश, ए सरख मूर्ति और अनुदीप देव जैसी बेहतर किरदारों ने दी थी। यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज करी गई थी और फिल्म का ट्रेलर 18 नवंबर को रिलीज किया गया था, नवंबर दिसंबर को, और बहुत ही जल्द इस फिल्म के ट्रेलर के साथ साथ मूवी की कहानी भी रिवील कर दी गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। फिल्म की बात करें होम मीडिया की, तो फिल्म को फर्स्ट पोस्ट और थियोरेटिकल स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स के द्वारा बेचे गए थे और सभी ने एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हुए फिल्म का राइट्स को एक बेहतर रिस्पॉन्स में माना था। फिल्म में एक बहुत ही बेहतरीन बात यह भी है कि फिल्म की एक स्ट्रीमिंग के साथ साथ फिल्म के राइट्स को भी खरीदा गया था और मूवी अच्छे योग्य मूल्यों के साथ इसे सौदा किया गया हो। फिल्म का सेटेलाइट राइट्स सन टीवी को बेचे गए थे और फिल्म की स्वागत समारोह की बात करें फिल्म के रिव्यूज के बारे में, तो मूवी ने अच्छी खासी रिव्यूज और पॉजिटिव रिव्यूज के साथ साथ एक अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया था। आइए बात करते हैं फिल्म के रिव्यूज के बारे में। द टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्रन ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और कहा, कुल मिलाकर शेर कुमन का एक पट्टथु आराशन के लिए कुछ काम कर सकता है, लेकिन काश यह शैली आविष्कारशील विचार से लाता। और एबीपी लाइव की यो स्त्री ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और कहा, अगर केवल कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले भावुक दृश्यों को काट दिया होता तो और लड़ाई के दृश्यों को शामिल किया होता तो टाइटैनिक राजा वास्तव में बैंड वॉन को हिला देता था और हिला सकता था। सिनेमा एक्सप्रेस के चांदनी आर ने फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग देते हुए कहा, ग्रामीण नाटकों के सभी न खत्म होने वाले बैराज के बावजूद भी यह एक अच्छी शैली है और अभी तक काम करती है, क्योंकि इसके परिवेश के लिए यह बनाई गई थी और फिल्म का सही प्रदर्शन कर सकती है और जड़ता और खिंचाव के साथ रखा जाता है। दीना मल्लार ने फिल्म को 5 में से 2.25 की रेटिंग दी और कहा, फिल्म कैंपेनियन की श्रुति गणपति राम ने लिखा था, जबकि फिल्म में एकमात्र प्रमुख महिला पात्र का नाम स्थापित करती है तो रन टाइम 90 मिनट के बाद दिखाया जाता है। सांकेतिक वाद और अपना खूबसूरत सिर उठता है और इसकी निष्ठा स्पष्ट हो जाती है। मूवी क्रो के अश्विन राम ने फिल्म की रेटिंग 5 में से 2 दी और लिखा कि पागल के दिलचस्प संघर्ष और पटकथा के साथ प्रस्तुत किया गया है।
जिसे दशकों से पहले किया जाना चाहिए था, और वह एक भावनात्मक नाटक जिसमें कोई तनाव या जड़ का कारक नहीं है। सिनेमा विघटन आलोचक ने लिखा है कि यह एक परिचित गांव की कहानी को लेते हुए पट्टथु आरासन की टीम ने ऐसे दृश्यों के साथ एक उबाऊ फिल्म बनाई है जो कि नहीं है, और फिल्म एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म की कहानी को आगे भी बढ़ाती है। फिल्म की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। मूवी में एक सॉन्ग को भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया गया था और फिल्म का एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। मूवी कई सारे सीन पर ऐसे हमारे सोच पर खरी उतरती है और फिल्म की कहानी एक अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। खासकर इस फिल्म में किरदारों के बारे में बात करें, मूवी के लीड एक्टर और एक्ट्रेस ने एक अच्छी भूमिका दी थी और उनकी कैरेक्टर ने अपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए इस फिल्म की स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस भी किया गया था। मूवी की बात करें फिल्म के दिलचस्पिंग पॉइंट्स के बारे में, तो फिल्म को खासकर इसके कैरेक्टर के लिए और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करने के लिए फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेहतर टाइम लेते हुए फिल्म को एक अच्छी रन टाइम और अच्छे स्टोरी के साथ बिल्डअप किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था। मूवी में बात करें इस फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो फिल्म एक अच्छी फ्लो में चलती है और फिल्म में देखते टाइम कहीं भी बोरियत का अनुभव नहीं होता है। फिल्म में कई सारे ऐसे सीन्स भी देखे जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हैं, लेकिन आप इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें फिल्म की स्टोरी के बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ अलग रखे गए हैं ताकि मूवी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काबिले तारीफ बनाया जा सके। फिल्म की आइए बात करते हैं मूवी के बारे में, तो फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी जाती है और फिल्म को अच्छा खासा भी कहा जाता है। फिल्म को खासकर पब्लिक के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन क्रिटिक्स के द्वारा इस फिल्म को ठीक ठाक किसी तरह से रिस्पॉन्स मिले थे जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। फिल्म का एक संगीत ऐसा है, मूवी में म्यूजिक को काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया गया था, फिल्म में म्यूजिक का रोल प्ले काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया गया था, तो उम्मीद करते हैं कि फिल्म का रोल प्ले हमें बाहर भी देखने को मिलेगा और फिल्म में एक अच्छा फ्लो हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी की बात करें इस फिल्म में फ्लो की, तो मूवी ने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है और फिल्म को एक फ्लो के रूप में हमें इन्हीं की भूमिका निभाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होती है। फिल्म के कई सारे पार्ट्स और फिल्म के पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा गूज बम्स आ जाएंगे और फिल्म में एक अच्छी स्टोरी के साथ साथ फिल्म की एक बेहतर एंडिंग भी दिखाई गई है, तो इस वजह से फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट भी बनकर हमारे सामने उभरता है और मूवी हमारे सामने आती है। फिल्म की खास बात यह है कि मूवी हमें कहीं भी बोर नहीं होने देती है और फिल्म का एक अच्छा फ्लो हमें ले चलता है अपने मनोरंजन की ओर। फिल्म में कई सारे पॉइंट्स पर ऐसे भी दिखाए गए हैं जो कि मूवी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और फिल्म एक हमारे सामने एक अच्छी फ्लो में एक अच्छा किरदार देखने को मिलती है। मूवी में बेहद ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प किरदारों के साथ देखने को मिलता है। फिल्म का कई सारे पॉइंट्स में ऐसे भी देखे जाते हैं कि मूवी कुछ हद तक सही कर पाती है, लेकिन इस फिल्म में ऐसा देखा गया है कि मूवी एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्म को आगे बढ़ाती है और फिल्म की कहानी को चलाती है। फिल्म में एक पट्टाथु आरासन मूवी की बात करें, तो मूवी में फिल्म का किरदार ने और फिल्म के खासकर महिला प्रधान भूमिका ने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म को अच्छे तरीके से बिल्डअप भी किया था और फिल्म में एक बेहतरीन किरदारों को लाया गया था। मूवी को स्पोर्ट ड्रामा फिल्म मानी जाती है और फिल्म एक अच्छी खासी एक्शन सीन्स भी इस मूवी में देखने को मिलता है। मूवी का निर्देशक सुरकुमारन ने अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फिल्म की निभाई थी और फिल्म में पत्नी के साथ कई वारिस हो ऐसे कॉन्सेप्ट को भी एक अजूबा कॉन्सेप्ट हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अलग भी लग सकती है। फिल्म की ऐसी पॉइंट्स भी हमें ध्यान देती है जो कि मूवी काफ़ी ज़्यादा वीक पॉइंट्स अक्सर जगहों पर हो जाती है। दोस्तों इस फिल्म को आप देखना चाहते हैं तो मूवी के डिजिटल राइट्स आपको नेटफ्लिक्स
पर देखने को मिल जाएंगे। यानी कि इस फिल्म को जब कभी भी रिलीज किया जाएगा तो फिल्म को आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं, और मोबाइल को आप सिर्फ नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर और प्लेटफॉर्म पर, नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। और मूवी को आप टीवी पर देखना चाहें तो मूवी के टीवी के राइट्स खरीदे गए थे सन टीवी के द्वारा। आप इस फिल्म को वहाँ पर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इसके डिजिटल राइट्स को नेटफ्लिक्स पर बेचे गए थे, मूवी आप अच्छी तरीके से वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं।